मुझे कौन ग्राउंडेड ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत। 16वें दिन लियो ने भारत में 2.5 करोड़ रुपीस और विदेशों में 2 करोड़ की कमाई की। इस तरह लियो का कुल कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 545 करोड़ रुपीस हो गया। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में खासकर दिवाली की छुट्टियों के वक्त ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करेगी। लियो एक एक्शन, क्राइम और हॉरर फिल्म है। ये फिल्म 19 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विजय, त्रिषा और संजय दत्त जैसे कलाकार हैं। 16वें दिन भारत में 2.5 करोड़ रुपीस और विदेशों में 2 करोड़ की कमाई की। 16 दिनों का कुल कलेक्शन 321 करोड़ रुपीस है। 11वें दिन तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन में 16 करोड़ की कमाई की। 12वें दिन तक कुल कलेक्शन 307 करोड़ 95 लाख था। रिलीज के दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 140 करोड़ थी। 2 दिनों में घरेलू नेट रेवेन्यू 100 करोड़ के पार है। इसी के साथ लियो का टोटल कलेक्शन अपने 16 दिनों का हो चुका होगा 321 करोड़ रुपए का, जो तमिल सिनेमा का एक हिस्टोरिकल कलेक्शन है। वहीं शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज के 16वें दिन 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इस तरह पठान ने 16 दिनों में दुनिया भर में 887 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 16वें दिन भारत में करीब 7 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह फिल्म का कुल कलेक्शन 532.93 करोड़ रुपीस हो गया था। दुनिया भर में जवान ने 900 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। 16वें दिन यानी कि शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन 937.67 करोड़ रुपीस हो गया था। वहीं यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज के 16वें दिन देश भर में 9.5 करोड़ रुपीस की कमाई की थी। वहीं दुनिया भर में इस फिल्म ने शुक्रवार को 12.42 करोड़ रुपीस कमाई की थी। इस तरह ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के और करीब आ गई थी। अब देखना होगा कि क्या लियो फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। मुझे कौन ग्राउंडेड ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत है, पर असली कहानी वहीं से शुरू। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को मिलता है जो इसके लायक नहीं। एक इंसान है जो इस केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन दे सकता है। विजय और लोकेश कनगराज की लियो 2023 की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। ये मूवी इस साल अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। एक्साइटेड फैंस के दिलों में मूवी के लिए और अधिक हलचल पैदा करने के लिए मेकर्स ने हाल ही में लियो का पहला तेलुगु पोस्टर जारी किया है। लियो का पोस्टर रिलीज होते ही ये इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा और फैंस इस पर कॉमेंट कर अपना एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं। फैंस काफी समय से दलपति विजय की मूवी लियो के तेलुगु पोस्टर का इंतजार कर रहे थे। शानदार फर्स्ट लुक और अनाउंसमेंट वीडियो के बाद फैंस मूवी का पोस्टर देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन इस पर लिखी गाइडलाइंस के मुताबिक मेकर्स ने लोगों को शांत रहने की सलाह दी है। पोस्टर में विजय सोच में डूबे नजर आ रहे हैं। पोस्टर में एक पहाड़ी का दृश्य दिखाया गया है जहां विजय बर्फ में ऊपर की ओर दौड़ते नजर आ रहे हैं। मूवी के नाम और क्रेडिट के अलावा इस पर शांत रहें और लड़ाई से बचें लिखा हुआ है, जिससे फैंस तो और भी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। पोस्टर देखकर विजय के फैंस खुशी से उछल रहे हैं, लेकिन अपनी इस स्टारडम को विजय थलाइवर को समर्पित करते हैं क्योंकि विजय रजनीकांत के बहुत बड़े फैन रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर इस बात का जिक्र भी किया है कि अगर रजनीकांत नहीं होते तो वो कभी भी सिनेमा की दुनिया में नहीं आ पाते। वास्तव में उन्हें मेन लीड एक्टर के रूप में अपना पहला एक्टिंग ब्रेक एक ऑडिशन के बाद मिला, जहां उन्होंने रजनीकांत की हिट मूवी अन्ना मलाई का एक प्रसिद्ध डायलॉग बोला था, जिससे आज विजय इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रियलिटी को कभी खत्म नहीं होने दिया। लियो की बात करें तो मूवी का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है। इस मूवी में विजय के अलावा त्रिषा, संजय दत्त, प्रियानंद, सैंडी गौतम, मंसूर अली खान, अर्जुन सज्जा जैसे कलाकार शामिल हैं। थलापति विजय अब कुछ ही दिनों में बड़े पर्दे पर अपनी मूवी लियो के साथ आ रहे हैं विद डिफरेंट लुक्स एंड हेयर स्टाइल्स। थला को हमने हमेशा ही उनकी एक सिग्नेचर हेयर स्टाइल के साथ देखा है ना, और वो रेयरली चेंज करते हैं क्योंकि उन्हें बार बार अपनी हेयर स्टाइल चेंज करना पसंद ही नहीं है। लेकिन थला ने अपनी मूवी लियो के लिए करीब 30 हेयर स्टाइल ट्राई की है और तब जाकर उन्होंने एक फाइनलाइज की जो उनके किरदार को एकदम जस्टिस दे रही है।
और उन्हें भी ये हेयर स्टाइल काफी अच्छी फीलिंग दे रही है। और लियो के ट्रेलर को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि थला हमें टू डिफरेंट लुक्स और हेयर स्टाइल में नजर आने वाली है, लेकिन थला की डेडिकेशन की दाद देनी होगी। जिन्हें स्टाइल चेंज करना पसंद नहीं था, उन्होंने अपने लुक और कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए 30 अलग अलग स्टाइल्स ट्राई की, और इस मामले में उन्होंने बादशाह खान को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्हें अपनी हेयर स्टाइल और लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना काफी पसंद है। उन्होंने अपनी मूवी डॉन 2, हैवी न्यू ईयर और जवान के लिए कई सारी हेयर स्टाइल और लुक्स भी ट्राई किए हैं। तो वहीं लियो को सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफाइड तो कर दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने लियो की टीम को मूवी में 13 जितने चेंजेस करने को भी कहे हैं। लियो को मिला सर्टिफिकेट ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसमें इसे ये पता चल जाता है कि लियो का रन टाइम 164 मिनट्स यानी 2 घंटे 44 मिनट का होगा। लेकिन इन चेंजेस की वजह से मूवी के प्लॉट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। चेंजेस ज़्यादातर वाइल्ड एक्शन सीन्स में होंगे, जहाँ कम खून खराबा दिखाया जाएगा और साथ ही कुछ काफ़ी इंटेंस सीन्स को भी ब्लर किया जा सकता है। इस साल आई कई सारी फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफाइड किया है। वैसे UA सर्टिफिकेट का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड बट विद अ पेरेंटल डिस्क्रिशन एडवाइजरी फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल के अंडर वाली ऑडियंस इस मूवी को अपने पेरेंट्स को परमिशन के बिना नहीं देख सकती। इस साल आई फिल्मों में दी केला स्टोरी, ओ माय गॉड 2, जवान, चंद्रमुखी 2 और अब लियो और रणबीर कपूर की एनिमल को भी मिला है UA सर्टिफिकेट। इसके साथ ही लियो के ट्रेलर को देखने के बाद हमें मूवी की लीड एक्ट्रेस त्रिशा के रोल के बारे में इतना कुछ तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मूवी में लियो यानी थला के परिवार पर मुसीबत आने वाली है। और एक वायरल फैन थ्योरी के हिसाब से मूवी में त्रिशा के कैरेक्टर को ही मारा जाएगा, और इसी वजह से कॉमन कैफे ओनर बन जाएगा स्वीट ब्लडी किलर, क्योंकि जब कॉमन मैन के परिवार पर बात आती है तब वो कॉमन मैन से डेंजरस मैन बन जाता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो अब चलो, स्पाई हो गया, कॉप हो गया, अब LCU की बारी। LCU बोले तो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसकी कर्ता धरता है डायरेक्टर लोकेश कनगराज, और इसी यूनिवर्स में बनाई जा रही है फिल्म लियो, जिसमें नजर आएंगे तमिल सुपरस्टार विजय थल्लपति। पर ये यूनिवर्स है, इसका मतलब लोकेश की बाकी फिल्मों के कैरेक्टर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो 2022 की लोकेश की सुपर डुपर हिट फिल्म विक्रम, जिसमें कमल हासन ने तड़का लगाया, वो इस फिल्म में कैमियो कर सकते हैं। पर बाकी जो दो कैरेक्टर्स हैं वो कंफर्म है। विक्रम में एजेंट अमर का कैरेक्टर निभाया था एक्टर फहद फासल ने, तो उनके कुछ सीन्स लियो में हो सकते हैं। और दूसरा है रोलेक्स, जिसे निभाया था एक्टर सूर्या ने, जिसकी वजह से सूर्या ने ऑफिशियली LCU में कदम रखा, तो उसका और विजय का एक फोन कन्वर्सेशन हमें दिखाई देगा। वैसे सूर्या ने इनडायरेक्टली इस बात का हिंट अपने सोशल मीडिया पर भी दिया था, जहां पर उन्होंने लियो की बात करते वक्त ये लिखा था कि कोल्ड वॉर एक्सपेक्टेड, और वो भी हार्ट इमोजी के साथ। वैसे ये कहा गया था कि लोकेश के यूनिवर्स में रोलेक्स कैरेक्टर पर ही फोकस रहेगा, पर जब लोकेश ने विजय के साथ हाथ मिलाया तब सूर्या ने क्लियर कह दिया कि सिर्फ लियो में ही रोलेक्स के कैरेक्टर पर फोकस होगा। खैर, जहां रोलेक्स, विजय, कमल हसन सब एक साथ आएंगे और ऊपर से बॉलीवुड के खतरनाक खलनायक संजय दत्त भी होंगे, फिर तो मजा आएगा। वैसे फिल्म की प्रमोशनल एक्टिविटीज अब शुरू हो गई है, क्योंकि फिल्म 19 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसी के चलते अब ऑडियो लॉन्च की तैयारी हो रही है, जो 30 सितंबर को हो सकती है, जिसका इवेंट मदुरै या तिरुचिरापल्ली में हो सकता है, वरना मेकर्स प्लान बी के हिसाब से चेन्नई को चुनेंगे। तो देखते हैं इस ऑडियो लॉन्च में किस किस को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। कॉलीवुड ने सिनेमा में बड़ी सी बड़ी फिल्में दी हैं, जिसमें पोनियन सेल्वन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बीस ट्रेलो शामिल हैं। लेकिन इन सभी को मात देने के लिए विजय थलापति की लियो आ गई है, जिसकी दहाड़ ने कॉलीवुड की सभी बड़ी ओपनर को पीछे कर दिया है और खुद बन गई है सबसे बड़ी ओपनर। अब तक केवल एक मूवी ने 100 करोड़ की कमाई की है, और ये मूवी है पोनियन सेल्वन 1। और सरप्राइजिंगली लियो ने तमिलनाडु में राइट्स पोनियन सेल्वन 1 से ज्यादा में बेचे हैं। मूवी का एक और प्रमुख आकर्षण 15 वर्षों के बाद विजय त्रिशा कॉम्बो की वापसी है। दोनों ने आखिरी बार कुर्वी 2008 में जो रिलीज हुई थी उसमें काम किया था। मास्टर के बाद लियो विजय और निर्देशक लोकेश कनगराज के बीच दूसरा सहयोग है। मूवी में संजय दत्त, अर्जुन सरजा, गौतम वासुदेव और सैंडी प्रमुख भूमिकाओं में हैं, और अनिरुद्ध रविचंद्र ने धुनें तैयार की हैं।
थलापति विजय की आगामी एक्शन एंटरटेनर लियो साल की सबसे प्रतिष्ठित कॉलीवुड फिल्मों में से एक है। इस परियोजना से काफी उम्मीदें हैं, खासकर बॉक्स ऑफिस पर लोकेश कनगराज के परफॉर्मेंस को देखते ही। अगर मूवी को अच्छी चर्चा मिलती है तो व्यापार विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे कि लियो लोकेश की पिछली ब्लॉकबस्टर विक्रम को पछाड़ देगी। लियो ने रिलीज से पहले ही कई रिकॉर्ड्स कायम कर लिए हैं, विदेश में एडवांस बुकिंग कमाल है और घरेलू स्तर पर भी। दर्शक लोकेश की मूवी में थलापति की एक झलक देखने के लिए इंतजार कर सकते हैं। थलापति विजय के चाहने वालों का विदेशों में एक बड़ा बाजार है, यूके उनके गढ़ों में से एक है, तो ये स्पष्ट था कि लियो को यहाँ एडवांस बुकिंग में शानदार प्रतिक्रिया मिलेगी। लेकिन वास्तविक रिपोर्ट अधिक एक्साइटिंग है। ट्रैक टॉलीवुड की रिपोर्ट के मुताबिक मूवी ने एडवांस बुकिंग में ही यूके में सबसे ज्यादा बड़ी कॉलीवुड ओपनर बनकर इतिहास रच दिया है। लियो ने एडवांस बुकिंग में 2,54,00,000, पोनियन सेल्वन 1 ने 2,04,00,000, पोनियन सेल्वन 2 ने 2,31,00,000, ट्रेलर ने 2,26,00,000 और बीस्ट ने 2,06,00,000 की कमाई की थी। और लियो ने इन सभी को सर्फ एक्सेल से ऐसा धोया कि सभी के कलेक्शन को ही धोड़ा। बॉलीवुड ने सिनेमा में बड़ी से बड़ी फिल्में दी है जिसमें PS1, PS2, बीस्ट, जेलर शामिल है, लेकिन इन सभी को मात देने के लिए विजय थलापति की फिल्म लियो आ गई है, जिसकी दहाड़ ने कॉलीवुड की सभी बड़ी ओपनर को पीछे कर दिया है और खुद बन गई है सबसे बड़ी ओपनर। थलापति विजय की बड़ी फिल्म लियो, जो कि अक्टूबर में रिलीज होने वाली है, वो बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। विदेशी बाजारों में एडवांस बुकिंग खुली हुई है और ये जोरों पर चल रही है। बिना किसी संदेह के ये फिल्म विजय के करियर की सबसे बड़ी ओपनर साबित होगी और जो पहले से ही इतिहास रच रही है। आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म सफल आउंटिंग मास्टर के बाद थलापति विजय और निर्देशक लोकेश कनगराज का साथ में दूसरा प्रोजेक्ट है। फिल्म को फैंस के साथ साथ दर्शकों के बीच भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि इसे LCU का हिस्सा कहा जा रहा है। इसके अलावा संजय दत्त को विजय के अगेंस्ट खलनायक की भूमिका निभाते हुए देखा जाएगा, क्योंकि संजय को पहले दमदार विलन के रूप में देखा जा चुका है। बॉलीवुड में खलनायक, अग्निपथ, वास्तव जैसी फिल्में देने के बाद इन्होंने KGF में अधीरा की विलन वाली भूमिका में भी जान भर दिया, जो अब लियो में दिखाई देंगे। थलापति विजय के चाहने वालों का विदेशों में एक बड़ा बाजार है और यूके उनके गढ़ों में से एक है, तो ये स्पष्ट था कि लियो को यहाँ एडवांस बुकिंग में शानदार प्रतिक्रिया मिलेगी। लेकिन वास्तविक रिपोर्ट अधिक एक्साइटिंग है। ट्रैक टॉलीवुड की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही यूके में सबसे बड़ी कॉलीवुड ओपनर बनकर इतिहास रच दिया है। हाँ, लियो ने प्रीसेल्स के माध्यम से 2,50,520 यूरो यानी कि 2,54,00,000 की कमाई करके सिनेमा घरों में आने से पहले ही देश के अन्य सभी सबसे बड़े ओपनर्स को पछाड़ दिया है। थलापति विजय ने अपनी बीस्ट और यहाँ तक की रजनीकांत की जेलर को भी पीछे छोड़ दिया है। लियो ने एडवांस बुकिंग में 2,54,00,000, पोनियन सेल्वन 1 ने 2,04,00,000, पोनियन सेल्वन 2 ने 2,31,00,000, जेलर ने 2,26,00,000 और बीस्ट ने 2,06,00,000 की कमाई की थी। और लियो ने इन सभी को सर्फ एक्सेल से ऐसा धोया कि सभी के कलेक्शन को भी धो डाला। विजय थलापति को अपने एक्शन के लिए साउथ इंडस्ट्री में जाना जाता है, जैसे विजय सेतुपति को विलन के रूप में जाना जाता है, और इस मूवी में कई एक्शन स्टंट भी शामिल है। क्या है ये फिल्म हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंस जिस पर थलापति विजय की नई फिल्म लियो बनी है? 19 अक्टूबर को थलापति विजय की फिल्म लियो रिलीज हो रही है। फिल्म की खबरें आने के बाद से ही कहा जाने लगा कि उसकी कहानी एक हॉलीवुड फिल्म से उठाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स ने छापा कि लोकेश कनगराज ने अ हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंस नाम की फिल्म से कहानी चिपकाई है। हालांकि मेकर्स ने किसी भी पॉइंट पर इस बात को कंफर्म या खारिज नहीं किया था, लेकिन लोकेश कनगराज और एटली जैसे फिल्म मेकर्स के काम पर हॉलीवुड फिल्मों की बहुत गहरी छाप दिखती है, उसके चलते भी खबर ने आग पकड़ ली। इस पूरी बहस के बीच फिल्म से जुड़े शख्स ने सच बता दिया। लियो के एक्टर आत्मा पैट्रिक ने कंफर्म किया है कि लियो की कहानियां हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंस से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने हॉलीवुड वाली फिल्म के ऑफिशियल राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने कहा कि भले ही मेकर्स ने फिल्म के राइट्स लिए हैं, लेकिन यहां पर सीन 100 गुना बड़ा होने वाले हैं। तो भाई क्या है हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंस?
ये फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी। बनाया था डेविड क्रोनेनबर्ग ने, सिनेमा के लिहाज से अहम डायरेक्टर हैं। क्रैश और वीडियोड्रोम जैसी विचलित कर देने वाली फिल्में बना चुके हैं। उनकी पिछली रिलीज क्राइम ऑफ द फ्यूचर को 2022 के कांस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया था, जहां उसे 6 मिनट तक का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। अ हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंस का मुख्य किरदार टॉम नाम का एक शख्स है, छोटे शांत टाउन में अपने परिवार के साथ रहता है, खुद का डाइनर चलाता है। डाइनर यानी कि छोटा रेस्टोरेंट। एक बार वहां दो गुंडे घुस जाते हैं, हाथापाई में टॉम उन दोनों को मार डालता है। टाउन की प्रेस उसे लोकल हीरो बना देती है। यहीं से उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं जिनका कहना है कि वो टॉम नहीं बल्कि जोई है। पता चलता है कि अपनी पिछली जिंदगी में जो ये खूनी था, जो अब पहचान छिपा कर रह रहा था। हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंस लाउड फिल्म नहीं थी, किसी के घर के बगीचे में गोलीबारी हो जाती है लेकिन धम सा म्यूजिक कानों में नहीं पड़ता। लियो बस यही चीज अलग करने वाली है। हॉलीवुड फिल्म कट टू कट चली थी, लियो के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि वहां आगे पीछे की कहानी भी दिखाई जाएगी। जैसे लियो पुरानी जिंदगी से नई में कैसे दाखिल हुआ, यहां ओरिजिनल फिल्म से ज्यादा किरदार होने वाले हैं। बता दें कि लियो में तलपति विजय के अलावा त्रिशा कृष्णन, संजय दत्त, अर्जुन सारजा और गौतम वासुदेव मेनन जैसे एक्टर्स भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, लियो की एक्साइटमेंट पठान, जवान और टाइगर 3 के हैंगओवर से बहुत ज्यादा है, क्योंकि पठान टाइगर में कहीं ना कहीं लोगों को अंदाजा है कि एक्शन किस लेवल का होगा। लेकिन एलसीयू से कोई उम्मीद करना भी ना एक बेवकूफी है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ऐसा लाते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। लियो से अभी स्टारकास्ट का पोस्टर रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने लियो दास, एंटनी दास, हैनोल दास और बाकी सारे कैरेक्टर्स को जगह दे रखी है। वहीं लोकेश ने लियो की शूटिंग कश्मीर में की है, लेकिन वो कभी भी वहां शूटिंग करना चाहते नहीं थे। वो शुरू में लियो को थेनी या तो तमिलनाडु के इसी तरह के एक छोटे शहर में स्थापित करना चाहते थे। हालांकि कश्मीर में फिल्माया जाना विजय स्टारर के लिए जरूरी हो गया था। पहले फिल्म की शूटिंग तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में होनी थी, फिर विजय को पर्यटन स्थल पर क्यों ले जाया गया। फिल्म को कश्मीर में शूट करने का कारण बिल्कुल अलग है, चूंकि लोकेश चाहते थे कि फिल्म को ग्राउंडेड किया जाए, इसलिए वो कई लाइव लोकेशन पर शूटिंग करना चाहते थे। उन्होंने थेनी के एक गांव की पृष्ठभूमि पर कहानी लिखी थी, उस क्षेत्र में लोकेशन स्काउटिंग भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन उनके चारों ओर भारी भीड़ जमा हो गई थी और वो ऐसा नहीं कर सके, इसलिए विजय को शूटिंग के लिए बाहर ले जाना असंभव था। कहानी को वास्तविक बनाने का एकमात्र तरीका किसी विदेशी देश में शूटिंग करना था, लेकिन लोकेश ने कोई विदेशी देश नहीं देखा है और कोई बड़ा यात्री भी नहीं, उन्हें नहीं पता कि कहाँ कैसा होता है। जब उन्होंने कश्मीर को चुना तो जरूर सोचा होगा कि इलाका बदल रहा है, इसलिए तलाशने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ होगा। फिल्म की मदद करने के अलावा लोकेशन ने विजय के साथ यथार्थवादी चीजें शूट करने में मदद की। शूटिंग के अलावा विजय अन्ना ने पैदल ही जगह तलाशनी शुरू कर दी थी, वो स्वयं इसका आनंद ले रहे थे। इस तरह कश्मीर का शूट शेड्यूल हुआ। पूरी लियो की शूटिंग कश्मीर में की गई। दोस्तों, लियो से हिंदी फैंस के लिए बुरी खबर है कि लियो हिंदी में नेशनल चेन्स पर रिलीज नहीं होगी, जबकि विजय की फिल्म लियो ने अपने ट्रेलर से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। रिलीज होने के महज 5 मिनट के भीतर ही ट्रेलर को 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सन टीवी ने ट्विटर पर अनाउंस किया कि केवल आधे घंटे में ट्रेलर को वास्तविक समय में 50 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। खैर, मुद्दे पर आते हैं कि हिंदी में नेशनल चेन्स पर क्यों रिलीज नहीं होगी। अगर आपको याद हो तो कोविड के बाद बॉलीवुड फिल्में 4 हफ्ते के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आती थी। हीरोपंती 2, रणवीर 34, पृथ्वीराज बैक टू बैक, ये फिल्में रिलीज के 29वें दिन ऑनलाइन आ रही थी। कोविड के वक्त ज्यादातर लोग आलसी हो गए थे, कई लोग अभी भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से डरते हैं, और ऊपर से जब 1 महीने के भीतर फिल्में ऑनलाइन आने लगी तो लोगों को लगा कि थिएटर जाने का कोई फायदा ही नहीं है। अनन्या पांडे और ईशान खट्टर स्टारर खाली पीली को एक ही दिन एक साथ रिलीज करने का एक्सपेरिमेंट भी किया गया। दोस्तों, फिल्म थिएटर में रिलीज हुई और G5 पर इसका पेड प्रीव्यू हुआ। बाद में उन्होंने सलमान खान की वादे के साथ भी ऐसा ही किया, लेकिन फिर उन्होंने इसे सभी के लिए फ्री कर दिया। उन्होंने तब राधे के लिए पैसे गवाए, लेकिन बाद में इससे G5 के सब्सक्रिप्शन बढ़ गए थे, क्योंकि लोगों ने G5 पर दूसरे कंटेंट को देखना शुरू कर दिया था। इससे थिएटर मालिक काफी डर गए और उन्होंने स्टूडियो के साथ एक डील की, जहां कम से कम 4 हफ्ते तक कोई भी फिल्म OTT पर नहीं आ सकती। OTT प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि
फिल्म जल्द से जल्द आ जाए, उनका बस चले ना तो रिलीज के दिन ही अपलोड कर दे, इसलिए वो जल्दी रिलीज के लिए ज्यादा भुगतान करने लगते हैं और डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज के लिए और भी अधिक भुगतान करते हैं। दोस्तों स्टूडियो अधिक पैसा चाहते हैं, इसलिए वो जितना संभव हो उतना बेचेंगे, लेकिन ये फिर से थिएटर मालिकों के लिए एक समस्या बन गई थी क्योंकि लोग 4 सप्ताह तक इंतजार करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। इसलिए डील को पुनर्गठित किया गया और अब हिंदी बेल्ट में 8 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कई फिल्में 8 हफ्ते पूरे होने के अगले ही दिन ओटीटी पर आ सकती है, लेकिन साउथ में वो अभी भी 4 वीक के नियम का पालन करते हैं। नेशनल चेन्स में मुख्य रूप से PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस शामिल है। ये ब्रांड पूरे देश में पाए जाते हैं। स्टूडियो अधिक कीमत मांग रहा होगा और 5 सप्ताह के रूल के कारण डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान होने का डर हो सकता है, जिससे उन्हें आम सहमति नहीं मिल पाई और इसलिए वो इन नेशनल चेन्स में फिल्म रिलीज नहीं कर रहे। आमतौर पर साउथ की कई फिल्मों को अच्छी संख्या में स्क्रीन नहीं मिल पाती है। विक्रम भी कई जगहों पर अवेलेबल नहीं थी और उसके शो भी बहुत लिमिटेड नंबर्स में थे। जाहिर है सिनेमा का मौसम बदल चुका है अब, क्योंकि अब लॉकी यूनिवर्स के बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से अधिकतर फैंस सोशल मीडिया पर है और एक बड़ा हिस्सा सिनेमा घरों में नहीं जाता है, वो टेलीग्राम और मुफ्त वेबसाइटों पर देखते हैं। उसी दिन कई लोग गणपत के लिए जाएंगे। टाइगर और कृति के पास अच्छा फैन बेस है और वो इसकी अच्छे से मार्केटिंग करेंगे। भूषण कुमार स्पष्ट कारणों से यारियां 2 को आगे बढ़ा रहे होंगे। कुछ स्क्रीन टाइगर नागेश्वर राव को भी मिलेगी, वो कम होंगे लेकिन फिर भी, इसीलिए नॉर्थ में लियो के लिए स्क्रीन की संख्या फिर से कम हो जाएगी। इसीलिए ये समझ में आता है कि वो फिल्म को नेशनल चेन्स में रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन वो भी अपनी फिल्म का अच्छा सोच रहे हैं। थलापति विजय की आने वाली फिल्म लियो सिने प्रेमियों के बीच काफी चर्चा पैदा कर रही है। फेमस फिल्म मेकर लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित लियो की शूटिंग हाल ही में कश्मीर के बर्फीले लोकेशंस में पूरी की गई थी। अब फिल्म की टीम ने तटीय क्षेत्र में शूटिंग के अगले शेड्यूल पर काम करते हुए अपना शूटिंग बेस चेन्नई में बना लिया है। तमिल अभिनेता और निर्देशक मैसस्किन, जो बड़े बजट फिल्म लियो का भी हिस्सा है, उन्होंने हाल ही में थलापति विजय के साथ काम करने के बारे में बात की है। तमिल प्रोड्यूसर संगम इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद मैसस्किन ने मीडिया से बातचीत में विजय की जमकर तारीफ की। इससे पहले बता दें कि सपोर्टिंग रोल्स करने से पहले मैसस्किन एक डायरेक्टर थे। मैसस्किन ने बताया कि लियो में छोटी भूमिका होने के बावजूद उनका जो किरदार है वो काफी दिलचस्प है। विजय को अपना थंबी या फिर छोटा भाई कहते हुए एक्टर ने खुलासा किया कि वो कई सालों के अंतराल के बाद विजय के साथ समय बिताने का अवसर पाने के लिए थैंकफुल है। वारिसु स्टार की तारीफ करते हुए मैसस्किन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में 20 वर्षों तक रहने के बाद आज भी विजय पहले की तरह ही काइंड और हम्बल है और उनमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया है। उनका कहना है कि मेरा थंबी विजय मेरा अच्छा ख्याल रखता था और बहुत काइंड था। मैं उसी सालों पहले प्यार को महसूस कर सकता था और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। ये पहली बार नहीं है जब मैसस्किन ने विजय के साथ काम किया है। इससे पहले उन्होंने साल 2002 में विंसेंट सेल्वा निर्देशित फिल्म यूथ में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में छोटे से कैमियो किए थे, जिसमें थलापति विजय और शाहिन खान ने भी अभिनय किया था। मुगामुदी, पिसासु और साइको जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले मैसस्किन ने लियो के फिल्म मेकर लोकेश कनगराज की भी तारीफ की। निर्देशक को प्यारा आदमी कहते हुए मैसस्किन ने शेयर किया कि लोकेश उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। लियो के बारे में बोलते हुए मैसस्किन ने कुछ ज्यादा खुलासा नहीं किया, लेकिन ये कहकर दर्शकों के बीच उम्मीद जगा दी कि थलापति विजय स्टारर में हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस होंगे जब विजय और लोकेश कनगराज एक साथ आएंगे। थलापति विजय और मैसस्किन के अलावा लियो में कई स्टार कलाकार शामिल हैं, जिनमें अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन, बॉलीवुड स्टार संजय दत्त, गौतम वासुदेव मिलन का नाम भी है। अर्जुन सज्जा, मैथ्यू थॉमस, प्रिया आनंद और बाबू एंटनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। चेन्नई की शूटिंग फिलहाल पूरे जोरों शोरों पर है और फिल्म की टीम बेहतरीन परिणाम देने का कोशिश कर रही है। कब मनाया जाएगा विजय थलापति का जन्मदिन?
विजय की इंस्टाग्राम एंट्री से कैसे हुआ मेकर्स को फायदा। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। साउथ सुपरस्टार विजय थलपति एक ऐसे स्टार है जो बोलते कम है पर बड़े बड़े धमाके करते हैं। वैसे विजय अभी उनकी आने वाली फिल्म लियो की शूटिंग में बिजी है, जिसका पहला शेड्यूल था श्रीनगर में। उसके बाद फिल्म की टीम पहुंची चेन्नई में, जहां पर 17 दिनों का शूट होगा। इसके बाद भी ये प्लान किया गया है कि थर्ड शेड्यूल हैदराबाद में होगा। हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म की कुछ शूटिंग की जाएगी। मतलब देखा जाए तो फिल्म की 50% शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं लोकेश कनगराज, जो विजय के साथ काम करके बहुत ज्यादा खुश है। हाँ, वैसे 22 जून को विजय का जन्मदिन है, तो उस दिन मेकर्स कुछ बढ़िया अनाउंस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। शायद फिल्म के टीजर को लेकर कोई खुशखबरी हो। विजय थल्लपति की अपकमिंग फिल्म लियो को लोकेश कनगराज डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें उनके साथ नजर आने वाली है ब्यूटीफुल एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन। इस फिल्म की शूटिंग के लिए भी थल्लपति हर बार की तरह एनर्जेटिक और एक्साइटेड है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर एंट्री मारी है, यानी कि सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई है बहुत बड़ी आग। सोशल मीडिया पर 99 मिनट्स में 1 मिलियन फॉलोअर्स हासिल करके उन्होंने तो रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कश्मीर शूटिंग को लेकर एक फोटो भी शेयर की थी, जिसे देखने के बाद फैंस काफी खुश हो चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के कई दमदार कलाकार उनकी एंट्री पर खुश है। वैसे अब उनकी एंट्री का फायदा मेकर्स को होगा ही। वैसे विजय के साथ हमें बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त भी नजर आने वाले हैं, जो अपना कश्मीर शूट पूरा कर चुके हैं। संजय और थल्लपति की मुलाकात का वीडियो भी काफी वायरल हुआ, जहां पर दोनों स्टार्स हंसी मजाक करते हुए नजर आए। वैसे 22 जून का दिन यानी थल्लपति का जन्मदिन, जिस दिन कुछ कमाल होने वाला है और ये धमाका करेगी फिल्म की टीम, तो बस इंतजार करते हैं। और हाँ, फिल्म की रिलीज डेट बिल्कुल मत भूलिएगा, जो है 19 अक्टूबर 2023। विल मेक अ हिस्ट्री इन सिनेमा इंडस्ट्री। बस इसी मंत्र के साथ थल्लपति विजय की फिल्म लियो को रिलीज होने में बस 9 दिन बचे हैं। ये अपने फैंस को इम्प्रेस और एक्साइट करने के लिए एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी फिल्म लियो से रोज कोई ना कोई बॉम्ब फोड़ रहे हैं। और अब कल एक रोमांटिक गाना तेरा ही जादू है रिलीज किया गया, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। 3 से 4 विलन, एक कैमियो, वॉयलेंस, धुआंधार एक्शन और मास एंटरटेनर होने वाली लियो हॉलीवुड फिल्म अ हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंस से इंस्पायर्ड है, जिसके राइट्स मेकर्स ने ऑलरेडी खरीद लिए हैं। कहानी को देखते हुए लग रहा है कि लियो दास एंटनी दास और हैंडोल दास का तीसरा भाई होगा, और जब ये बात एंटनी को मालूम चलेगी तो वो उसके पीछे पड़ेगा। लेकिन इन सबके बीच में क्या क्या होगा, इसके लिए फिल्म का इंतजार तो भाई लाजमी है। जिसके लिए अफकोर्स अभी मैंने आपको बताया ना कि 9 दिन बाकी है। गाने से पहले फिल्म को यूए कैटेगरी सर्टिफिकेट मिला। ये वही वाली पद्मे होती है जो कोई भी देख सकता है, लेकिन 12 साल के या फिर उससे छोटी उम्र के बच्चों को माता पिता की निगरानी में फिल्म देखनी होगी, जो अधिकतर फिल्मों को कट लगने के बाद मिल जाता है, जैसे कि जवान, पठान और गदर 2 के बाद अब लियो को मिला है। लेकिन 13 कट्स के बाद लियो का साउथ में फिल्म के प्रमोशन पर एक बड़ा पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर साउथ सोशल मीडिया अपडेट थ्रू ही अपनी फिल्मों की हाइप बनाता है। इसी टेक्निक को अब थल्लपति विजय भी अपना रहे हैं। यही कारण है कि इसके एडवांस बुकिंग के कलेक्शन रिवील होने से पहले फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि फिल्म की धुआंधार एडवांस बुकिंग हो रही है। ट्रैक टॉलीवुड के मुताबिक फिल्म पहले दिन ओवरसीज मार्केट में 45 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर सकती है। वही खबरें हैं कि फिल्म केरल में 8 करोड़ के आसपास कमाई कर सकती है। वहीं कर्नाटक में भी फिल्म 8 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर सकती है। वहीं तेलुगु में फिल्म के मोटी कमाई करने के भी चांसेस है। इसी के साथ फिल्म 100 करोड़ की कमाई के साथ ओपनिंग कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो लियो इतना ज्यादा कमाई करने वाली कॉलीवुड की पहली फिल्म होगी। पिछले कॉलीवुड फिल्म जेनर को काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था, हमने वर्ल्ड वाइड 72 करोड़ के आसपास ही कमाई की थी। अगर लियो 100 करोड़ के आसपास ही कमाई कर लेती है तो वो जेनर का रिकॉर्ड आराम से तोड़ देगी। और विजय के वर्क फ्रंट की बात करें अब तो पिछली बार वो फिल्म वारिसों में नजर आए थे। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना फीमेल लीड में थी। फिल्म में वो विजय राजेंद्रन के रोल में थे।
विजय बीस्ट मास्टर बिगिल सरकार जैसी शानदार फिल्में कर चुके हैं। जवान के बाद एक अप जिस मूवी का साउथ इंडियन मास मूवी लवर्स को इंतजार है वो मूवी है बताओ बताओ कौन सी। जी हाँ, थलापति विजय की लियो, जो अब एक महीने के बाद आने वाली है। लोकेश कनगराज की डायरेक्ट हुई ये मूवी साउथ के सबसे बड़े यूनिवर्स LCU का हिस्सा है, जो विक्रम और कैदी के बाद के टाइम पीरियड की होगी। और हम सभी पिछले काफी वक्त से इस मूवी में थला का एक अनोखा अंदाज देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। साथ ही इसमें संजय दत्त भी शामिल है, जो KGF 2 के बाद दूसरी साउथ इंडियन मूवी में नजर आने वाले हैं, वो भी एक विलेन के अंदाज में। लेकिन पिछले कुछ वक्त से मूवी से जुड़ी कुछ अपडेट सामने न आने की वजह से फैंस थोड़े निराश नजर आ रहे थे, और उनकी नाराजगी को दूर करते हुए मूवी के डायरेक्टर ने बताया कि मूवी से जुड़े कुछ खास और अहम काम बाकी थे, ताकि मूवी वक्त पर आ सके उसके लिए बहुत ही जरूरी थे। और साथ ही उन्होंने ये वादा भी किया है कि वो जल्द से जल्द मूवी से जुड़ी अपडेट शेयर करने वाले हैं, और उन्होंने मूवी के लिए एक महीने के प्रमोशनल इवेंट्स प्लान कर रखे हैं। और कुछ देर पहले ही ट्विटर पर धमाकेदार BGM के साथ एक मोशन पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें लिखा था #firestormiscoming। इस पर से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मूवी के ट्रेलर या प्रीव्यू रिलीज की हिंट दी गई है, जो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। साथ ही थला की इस मूवी का इंतजार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी किया जा रहा है, जिसमें UK में तो लियो का क्रेज था ही और एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई थी, और आज तक 18,000 टिकट्स बुक हो चुके हैं और मूवी UK से £200,000 कमा चुकी है। UK की 20 लोकेशंस पर लियो आने वाली है, और अब खबर ये आ रही है कि US में भी लियो IMAX में नजर आने वाली है, रिलीज होने वाली है। और ये पहली ऐसी तमिल मूवी है जो नॉर्थ अमेरिका में IMAX में रिलीज होगी, और जल्द ही US में भी एडवांस बुकिंग शुरू होने वाली है। इस मूवी की स्टार कास्ट के साथ ही मूवी का म्यूजिक भी इस एरा के AR रहमान कहे जाने वाले अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है। और मूवी के टीजर के बाद अब हमें बस ट्रेलर का इंतजार है, और फिर 19 अक्टूबर को मूवी का। इस साल के सबसे ऑन डिमांड एक्टर कौन है, तो वो है संजू बाबा, जो खलनायक भी है तो वही नायक भी, और साथ ही मुन्ना भाई बनकर हमें हंसा भी सकते हैं। और आज वो बन गए हैं नए पैन इंडिया स्टार, जिनके पास है 10 अपकमिंग मूवीज विद बिग नेम, जो एक से बढ़कर एक है। सबसे पहले इस साल वो शाहरुख खान की इस साल की दूसरी बड़ी मूवी जवान में एज अ कैमियो आए, और अपनी मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग नायक नहीं खलनायक हूं मैं के साथ एंट्री ली। और जहां ये मूवी अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपना धमाल मचा रही है, वहीं 19 अक्टूबर पर संजय दत्त की इस साल की दूसरी मूवी लियो आने वाली है, जिसमें वो मूवी के विलन एंटोनी दास का किरदार प्ले कर रहे हैं। पिछले साल अधीरा और इस साल एंटोनी दास यानी KGF यूनिवर्स में अपनी जगह बनाने के बाद अब वो LCU के लिए भी तैयार हैं। इस मूवी का उनका फर्स्ट लुक उनके 64th बर्थडे पर रिलीज किया गया, और हाल ही में आए पोस्टर में वो थलापति विजय के साथ फाइट करते हुए नजर आए हैं। उसके बाद वो फरहत सामजी की मूवी हेरा फेरी 3 का भी हिस्सा है, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं फिरोज नाडियाडवाला, और इस मूवी में संजू बाबा एक काफ़ी अच्छा एडिशन साबित होने वाले हैं। जहां कल्ट कॉमेडी सीरीज की बात हो रही है, वहां हम वेलकम सीरीज को कैसे भूल सकते हैं। और इस सीरीज की तीसरी मूवी वेलकम टू दी जंगल में भी संजय दत्त अपने क्राइम पार्टनर अरशद वारसी के साथ नजर आने वाले हैं, और हम सालों बाद मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी देखेंगे। हालांकि वो इस मूवी में नाना पाटेकर और अनिल कपूर की जगह है, लेकिन संजू बाबा विल रॉक दिस टाइम टू। इसके साथ ही वो पूरी जगन्नाथ की अपकमिंग साइंस फिक्शन मूवी डबल आई स्मार्ट में दी बिग बुल का रोल प्ले कर रहे हैं, जो 2019 की साइंस फिक्शन एक्शन मूवी आई स्मार्ट का सीक्वल है, और ये मूवी 8 मार्च 2024 को रिलीज होने वाली है। उसके बाद वो KVN प्रोडक्शन की केरी द डेविल का भी हिस्सा है, जिसकी रिलीज डेट तो अभी अनाउंस नहीं की गई है, पर ये एक एक्शन मूवी होने वाली है जिसमें संजू के साथ ध्रुवा सरजा, रिश्मा, शिल्पा शेट्टी नजर आने वाले हैं। उसके बाद वो धनुष की अपकमिंग अनटाइटल मूवी D51 का भी हिस्सा है, जिसके डायरेक्टर हैं शेखर, और जिससे प्रोड्यूस कर रहे हैं सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट, और इसमें नागा अर्जुन, एकी नेनी, साई पल्लवी, रश्मिका मंदाना जैसे पॉपुलर साउथ एक्टर्स भी शामिल हैं। उसके बाद संजू बाबा प्रभास, निधि अग्रवाल, मालविका और रिद्धि कुमार के साथ मारुति दसारी की डायरेक्टोरियल मूवी राजा ड्यूलेक्स का भी हिस्सा है, जिसे विश्व प्रसाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ ही संजय
सिद्धनाथ सचदेव की डायरेक्ट की गई दी वर्जिन ट्री का भी हिस्सा है जो पहले 30 सितंबर को आने वाली थी। सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट की इस मूवी में उनके साथ मोनी रॉय, सनी सिंह और पलक तिवारी भी शामिल हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट विवेक चौहान की बाप मूवी का भी संजय दत्त हिस्सा है जिसमें उनके साथ सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और रवीना टंडन जैसे कल्ट क्लासिक सुपरस्टार नजर आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अपने 60s में होने के बाद भी संजय दत्त सभी यंगस्टर्स को पीछे छोड़कर मोस्ट डिमांडिंग एक्टर बन गए हैं और वो भी खास तौर पर पैन इंडियन फिल्म्स के लिए, और आने वाले 2 सालों तक अपनी 10 अलग अलग मूवीज के साथ करने वाले हैं अपने फैंस को एंटरटेनमेंट। अगर रणबीर कपूर की मूवी एनिमल वायलेंस की डेफिनेशन बदलने वाली है तो वहीं विजय थलापति की मूवी लियो वायलेंस की नई डेफिनेशन ही लिखने वाली है। मतलब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वायलेंस नहीं करना चाहिए, पर इन लोगों ने अपनी फिल्मों में इसका बिल्कुल उल्टा किया है। हालांकि ये सब फिल्मों में हो रहा है, वैसे लियो अपनी वायलेंट और हट के कैरेक्टर्स की वजह से इतना बस क्रिएट कर चुकी है कि फैंस ट्रेलर देखने के बाद ही थिएटर्स में तोड़ फोड़ करने लगी, और ऐसे वायलेंस में बच्चे भी होते हैं जिन पर इसका असर होता है, तो बच्चों पर असर ना हो इसलिए सेंसर बोर्ड ने कुछ सीन्स कट या रिप्लेस करने के लिए भी कहा है। वैसे इंडिया में मूवी की क्या सिचुएशन होगी पता नहीं, पर अहिंसा एंटरटेनमेंट जो यूके में बेस्ड है एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन्होंने तय किया है कि ये लोकेश कनगराज की मूवी है, इस केस में कोई कट्स नहीं लगाए जाएंगे और ये मूवी जब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचेगी उसके बाद वो भी तय कर सकते हैं कि 12 साल और उसके नीचे के बच्चों को ये मूवी दिखाई जानी चाहिए या नहीं, पर अभी के लिए तो मूवी 15 और 15 से ऊपर के बच्चे देख सकते हैं। वैसे ही वायलेंट हरकतों की वजह से थोड़ा संभल कर डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब ये जबरदस्त मूवी जरूर होगी पर इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो जानवर हैं। अब देखिए ना, जैसे कि अर्जुन सरजा जो कैरेक्टर है हेरोल्ड दास, उसका अंदाज बिल्कुल रोलेक्स की तरह नजर आ रहा था, वही रोलेक्स जो हमें विक्रम के क्लाइमेक्स में नजर आया। हेरोल्ड ने उसी की तरह कार में एंट्री ली, उसकी फैक्ट्री में सारे लोग इकट्ठा हुए और हेरोल्ड ने अपना गुस्सा निकालते हुए एक बंदे का हाथ काटा, पर वही रोलेक्स ने पूरे एक बंदे को ही मार दिया। मतलब हेरोल्ड और रोलेक्स में कौन खतरनाक है ये दिख रहा है। खैर, इसी वजह से सेंसर बोर्ड भी डर जाता है, पर यूके में नो कट्स के साथ मूवी देखेंगे, मतलब उन्हें कोई डर नहीं लग रहा, तो देखते हैं अब आने वाली मूवी में क्या क्या होता है। मुझे कौन ग्राउंड में ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत है, पर असली कहानी वहीं से शुरू। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को मिलता है जो उसके लायक नहीं। एक इंसान है जो इस केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन दे सकता है। What is his name? चल पासवर्ड बोल। I love you. क्या बोल रही है? आपको पता है होटल का धंधा कौन चलाता है और टिड्डे का बाप कौन है? अरे पर उसकी माँ तो धंधे वाली थी ना। आपको पता है दूधी जूस जहर हो सकता है? अभी आप इसको पी सकते हो, इस पर टाइम है अभी जहर बनने का। वो इतना शातिर है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए उसे पकड़ना नामुमकिन है। आदम खोर को घास फूस खिलाने में बहुत मजा आता है। लगता है कोई पहली बार मर रहा है यहाँ। एकदम सही। चलो ये भी अच्छा है कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम मारते नहीं थे। दोस्तों, साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म लियो का ट्रेलर जल्द ही धमाका करने वाला है। थलापति विजय और संजय दत्त स्टारर एक्शन थ्रिलर लियो के फर्स्ट पोस्टर के बाद से ही फैंस के बीच क्रेज बना हुआ है। काफी समय से फैंस इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे। फाइनली अब ट्रेलर रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। लोकेश कनगराज के द्वारा निर्देशित लियो इसी साल अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। फिल्म का पहला पोस्टर जून 2023 में रिलीज हुआ था और तब से फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर काफी दिनों से लियो ट्रेलर ट्रेंड कर रहा था, जिससे जाहिर होता है कि फैंस किस कदर ट्रेलर देखने के लिए बेताब है। 2 अक्टूबर 2023 को विजय ने सोशल मीडिया पर लियो का नया पोस्टर जारी कर ट्रेलर रिलीज डेट का ऐलान किया था।
फिल्म का ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया जाएगा। नए पोस्टर में साउथ के सुपरस्टार विजय को जंगली जानवर के साथ एक्शन मोड में देखा जा सकता है। बर्फीली पहाड़ी के बीच विजय का ये दमदार पोस्टर फैंस के एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल हाई कर रहा है। इस पोस्टर को देख फैंस को ट्रेलर का इंतजार नहीं हो रहा है। कमेंट बॉक्स में लोगों ने अपनी बेताबी जाहिर की है। कई लोगों ने कहा कि वो इसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि थलापति रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। कॉलीवुड ने सिनेमा में बड़ी से बड़ी फिल्में दी है जिसमें पीएस पार्ट 1 और पार्ट 2 बीस्ट जेलर शामिल है, लेकिन इन सभी को मात देने के लिए विजय थलापति की लियो आ चुकी है, जिसकी दहाड़ ने कॉलीवुड की सभी बड़ी ओपनर को पीछे कर दिया है और खुद बन गई है सबसे बड़ी ओपनर। वहीं सभी क्षेत्र में कभी नहीं बेची गई कीमतों पर लियो के राइट्स बेच जा रहे हैं। अब तक केवल एक फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की है और वो फिल्म है PS1। और सरप्राइजिंगली लियो ने तमिलनाडु में राइट्स PS1 से ज्यादा कीमत पर बेचे हैं। लियो ने एडवांस बुकिंग में 2,54,00,000, PS1 ने 2,04,00,000, PS2 ने 2,31,00,000, जेलन ने 2,26,00,000 और बीस्ट ने 2,06,00,000 की कमाई की थी। और लियो ने इन सभी को सर्फ एक्सेल से ऐसा धोया कि सभी के कलेक्शन को बस धो डाला। लियो की कहानी लोकेश कनगराज ने रत्ना कुमार और धीरज वैद्य के साथ बुनी है। फिल्म का निर्माण ललित कुमार और जगदीश पलानी सामी ने किया है। मूवी में विजय के अलावा संजय दत्त, त्रिशा कृष्णन, अर्जुन सज्जा और अर्जुन दास जैसे कलाकार दिखाई देंगे। पैन इंडिया तमिल फिल्म लियो 19 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसे तमिल के अलावा तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में रिलीज किया जाएगा। कल बॉलीवुड का टाइगर मैसेज देकर चला गया, वहीं आज हमें टॉलीवुड का लायन सरप्राइज देकर चला गया। अब टॉलीवुड का लायन बोले तो विजय थलापति, जिनकी फिल्म लियो के दूसरे गाने बैड एस का ग्लिम्स वीडियो अब रिलीज किया गया है। फिल्म का पहला गाना था नारेडी, जिसे ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला, पर फेनोमेनल रिस्पांस तो नहीं मिला। वैसे इस गाने के कुछ विजुअल्स को लेकर मेकर्स को बदलाव करने पड़े थे ताकि सेंसर बोर्ड से इससे अप्रूवल मिले, क्योंकि कुछ स्मोकिंग सीन्स इसमें शामिल थे जिसकी वजह से मेकर्स को फटकारा गया था। अब ये जो बैड एस गाना रिलीज किया गया है, जो प्रोटैगोनिस्ट लियो दास को इंट्रोड्यूस करता है, यानी विजय थलापति को, वो एक वॉयलेंट एंड गॉरी थीम के साथ नजर आता है। इसमें खून से भरे विजय के हाथ, एंटागोनिस्ट बने संजय दत्त और गैंगस्टर बने अर्जुन सज्जा की झलक नजर आती है। इस गाने को कंपोज किया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने, जिनकी म्यूजिक का जादू जवान, मास्टर, विक्रम, जेलर जैसी कई फिल्मों में सुनने को मिला। मतलब ये बंदा आपको पैसे वसूल म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है, और इस बार भी उन्होंने अपने लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश की है। ऊपर से ऑडियो लॉन्च इवेंट भी तो कैंसिल किया गया था, जिसकी वजह से भी तमिल फैंस थोड़े से नाराज है। पर कुछ फैंस ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि अच्छा हुआ कि हम अनिरुद्ध एरा में पैदा हुए हैं। फैंस तो विजय और अनिरुद्ध के पावर पैक कॉम्बो के लिए गाना 60 बार भी सुन चुके हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अनिरुद्ध के म्यूजिक को समझने के लिए हम तमिल लैंग्वेज भी सीख लेंगे, मतलब कि मिक्स रिएक्शंस है। अब ये भी नहीं कह सकते कि इसके आगे हमें एक और गाना सुनने को मिलेगा जो नाराज फैंस को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसमें अभी के लिए सिर्फ 2 ही गाने बताए जा रहे हैं। पर ठीक है, अभी तक आपने फिल्म कहाँ देखी है? फिल्म देखने के बाद जितने भी नाराज फैंस हैं वो अपनी नाराजगी भूल जाएंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री सबसे महंगी फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है, और इसकी वजह है अभिनेताओं की फीस और उनकी फिल्मों का बजट। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार से लेकर आमिर खान तक की फीस इतनी ज्यादा है कि कभी कभी फिल्म के बजट से ज्यादा इन एक्टर्स की फीस लगती है। ये आंकड़ा लाखों में नहीं बल्कि 100 करोड़ के क्लब को छू गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीनों खान और प्रभास जैसी बाहुबली को पछाड़ देश का सबसे महंगा सुपरस्टार कौन है? AGS Entertainment ने इससे पहले सन 2019 में एटली के साथ विजय की ब्लॉकबस्टर फिल्म बिगिल का निर्माण किया था, जिसने
300 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। चर्चाएं हैं कि वेंकट प्रभु अपने फिल्म थलपति विजय के साथ करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इस सुपरस्टार की उम्र 48 साल है। पिछले 27 सालों से ये फिल्मों में सक्रिय हैं और करीब 66 फिल्मों में वो लीड रोल की भूमिका निभा चुके हैं। ये एक्टर हाईएस्ट पेड एक्टर के एलीट क्लब में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय एक्टर बन गए हैं। इस एक्टर को प्यार से उनके दोस्त और घर वाले जो कहकर बुलाते हैं। अब तक आप नहीं समझे तो हम बता ही देते हैं, हम बात कर रहे हैं तमिल सिनेमा के बड़े नाम थलपति विजय की। थलपति विजय लियो के बाद वेंकट प्रभु के साथ काम करने वाले हैं। उन्हें इस फिल्म के लिए भारी भरकम रकम मिल रही है और AGS एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म को बनाया जा रहा है। इसी के मेकर्स को उनको फिल्म साइन करने के लिए एक बड़ी रकम देने का प्रपोजल रखा गया है। साथ ही AGS एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले बनने वाली ये फिल्म के लिए 200 करोड़ चार्ज वो कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। थलपति विजय के वेंकट प्रभु के साथ उनकी अगली फिल्म थलपति 68 में काम करने की उम्मीद है। निर्देशक को मानड़ू, मनकथा, मन मधई लीला जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। थलपति विजय इन दिनों अपनी धमाकेदार फिल्म लियो की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में उनके साथ त्रिशा कृष्णन लीड रोल में है। ये एक गैंगस्टर थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में संजय दत्त विलेन के रोल में एक बार फिर नजर आने वाले हैं। फिल्म लियो इसी साल 19 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। इस तमिल फिल्म को हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। विजय को इस फिल्म के लिए 120 करोड़ रुपए फीस के रूप में मिल रहे हैं। फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए है जिसमें संजय दत्त विलन की भूमिका निभा रहे हैं। कल बॉलीवुड का टाइगर मैसेज देकर चला गया, वहीं आज हमें टॉलीवुड का लायन सरप्राइज देकर चला गया। अब टॉलीवुड का लायन बोले तो विजय थलापति, जिनकी फिल्म लियो के दूसरे गाने बैड एस का ग्लिम्स वीडियो अब रिलीज किया गया है। फिल्म का पहला गाना था नारेडी, जिसे ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला, पर फेनोमेनल रिस्पांस तो नहीं मिला। वैसे इस गाने के कुछ विजुअल्स को लेकर मेकर्स को बदलाव करने पड़े थे ताकि सेंसर बोर्ड से इससे अप्रूवल मिले, क्योंकि कुछ स्मोकिंग सीन्स इसमें शामिल थे जिसकी वजह से मेकर्स को फटकारा गया था। अब ये जो बैड एस गाना रिलीज किया गया है, जो प्रोटागोनिस्ट लियो दास को इंट्रोड्यूस करता है, यानी विजय थलापति को, वो एक वॉयलेंट एंड गॉरी थीम के साथ नजर आता है। इसमें खून से भरे विजय के हाथ, एंटागोनिस्ट बने संजय दत्त और गैंगस्टर बने अर्जुन सरजा की झलक नजर आती है। इस गाने को कंपोज किया है अनिरुद्ध रविचंद्र ने, जिनकी म्यूजिक का जादू जवान, मास्टर, विक्रम, जेलर जैसी कई फिल्मों में सुनने को मिला। मतलब ये बंदा आपको पैसे वसूल म्यूजिक एक्सपीरियंस देता है। और इस बार भी उन्होंने अपने लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश की है, पर फिर भी कुछ फैंस उतने खुश नहीं हुए, क्योंकि विजय की फिल्म में उनकी एक्टिंग, डांसिंग, एक्शन ईच एंड एवरी सीन के साथ साथ गानों के लिए भी क्रेजी शब्द तो मुंह से बस निकल ही जाता है, पर ये गाना उस लेवल का नहीं है। ऊपर से ऑडियो लॉन्च इवेंट भी तो कैंसिल किया गया था, जिसकी वजह से भी तमिल फैंस थोड़े से नाराज है। पर कुछ फैंस ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि अच्छा हुआ कि हम अनिरुद्ध एरा में पैदा हुए हैं। फैंस तो विजय और अनिरुद्ध के पावर पैक कॉम्बो के लिए गाना 60 बार भी सुन चुके हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अनिरुद्ध के म्यूजिक को समझने के लिए हम तमिल लैंग्वेज भी सीख लेंगे, मतलब कि मिक्स रिएक्शंस है। अब ये भी नहीं कह सकते कि इसके आगे हमें एक और गाना सुनने को मिलेगा जो नाराज फैंस को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसमें अभी के लिए सिर्फ दो ही गाने बताए जा रहे हैं। दोस्तों, साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म लियो का थ्रिलर जल्द ही धमाका करने वाला है। थलपति विजय और संजय दत्त स्टारर एक्शन थ्रिलर लियो के फर्स्ट पोस्टर के बाद से ही फैंस के बीच क्रेज बना हुआ है। काफी समय से फैंस इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे। फाइनली अब ट्रेलर रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। लोकेश कनगराज के द्वारा निर्देशित लियो इसी साल अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। फिल्म का पहला पोस्टर जून 2023 में रिलीज हुआ था और तब से फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर काफी दिनों से लियो ट्रेलर ट्रेंड कर रहा था, जिससे जाहिर होता है कि फैंस किस कदर ट्रेलर देखने के लिए बेताब है। 2 अक्टूबर 2023 को विजय ने सोशल मीडिया पर लियो का नया पोस्टर जारी कर ट्रेलर रिलीज डेट का ऐलान किया था। फिल्म का ट्रेलर 5 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया जाएगा। नए पोस्टर में साउथ के सुपरस्टार विजय को जंगली जानवर के साथ एक्शन मोड में देखा जा सकता है।
बर्फीली पहाड़ी के बीच विजय का ये दमदार पोस्टर फैंस के एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल हाई कर रहा है। इस पोस्टर को देख फैंस को ट्रेलर का इंतजार नहीं हो रहा है। कमेंट बॉक्स में लोगों ने अपनी बेताबी जाहिर की है। कई लोगों ने कहा कि वो इसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि थलापति रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। कॉलीवुड ने सिनेमा में बड़ी से बड़ी फिल्में दी है जिसमें पीएस पार्ट 1 और पार्ट 2 बीस्ट जेलर शामिल है, लेकिन इन सभी को मात देने के लिए विजय थलापति की लियो आ चुकी है, जिसकी दहाड़ ने कॉलीवुड की सभी बड़ी ओपनर को पीछे कर दिया है और खुद बन गई है सबसे बड़ी ओपनर। वहीं सभी क्षेत्र में कभी नहीं बेची गई कीमतों पर लियो के राइट्स बेचे जा रहे हैं। अब तक केवल एक फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की है और वो फिल्म है PS1। और सरप्राइजिंगली लियो ने तमिलनाडु में राइट्स PS1 से ज्यादा कीमत पर बेचे हैं। लियो ने एडवांस बुकिंग में 2,54,00,000, PS1 ने 2,04,00,000, PS2 ने 2,31,00,000, जेलर ने 2,26,00,000 और बीस्ट ने 2,06,00,000 की कमाई की थी। और लियो ने इन सभी को सर्फ एक्सेल से ऐसा धोया कि सभी के कलेक्शन को बस धो डाला। लियो की कहानी लोकेश कनगराज ने रत्ना कुमार और धीरज वैद्य के साथ बुनी है। फिल्म का निर्माण ललित कुमार और जगदीश पलानी सामी ने किया है। मूवी में विजय के अलावा संजय दत्त, त्रिशा कृष्णन, अर्जुन सज्जा और अर्जुन दास जैसे कलाकार दिखाई देंगे। पैन इंडिया तमिल फिल्म लियो 19 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसे तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में रिलीज किया जाएगा। मुझे कौन ग्राउंड एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत है, पर असली कहानी वहीं से शुरू होती है। तुम्हें खुद जाके ढूंढनी होगी। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को देता है जो लायक नहीं। एक इंसान है जो इस केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन दे सकता है। What is his name? चल पासवर्ड बोल। I love you. क्या बोल रही है? आपको पता है दिल्ली में लॉटरी का धंधा कौन चलाता है और टिड्डी का बाप कौन है? अरे पर उसकी माँ तो धंधे वाली थी ना। आपको पता है दूधी जूस जहर हो सकता है? अभी आप इसको पी सकते हो, इस पर टाइम है अभी जहर बनने का। वो इतना शातिर है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए उसे पकड़ना नामुमकिन है। आदम खोर को घास फूस खिलाने में बहुत मजा आता है। लगता है कोई पहली बार मर रहा है यहाँ। एकदम सही। चलो ये भी अच्छा है कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम मारते नहीं हो। मच अवेटेड फेस ऑफ भारत और पाकिस्तान की मैच के बाद दशहरे पर लियो और एंड्री दास के बीच होने वाला है, यानी कि थलापति विजय और संजय दत्त के बीच, जो बॉलीवुड के खलनायक तो थे ही लेकिन अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भी बन गए हैं एक दमदार विलन। पहले अधीरा और अब एंड्री दास मानो संजय दत्त बने ही है विलन वाले किरदार प्ले करने के लिए। और अब जहां लियो के आने में कुछ ही वक्त बचा है तो फिल्म मेकर्स आ गए हैं फुल फोर्स में और एक के बाद एक पोस्टर कर रहे हैं रिलीज। पहले थलापति विजय का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया और अब जो पोस्टर आया है उसमें विजय और संजू बाबा दोनों ही नजर आ रहे हैं, जिसमें लियो ने एंड्री दास को गले से पकड़ा हुआ है और दोनों ही एक दूसरे को डेथ स्टेयर्स दे रहे हैं और इफ आइस कैन किल वाली वाइब्स दे रहे हैं। तो वही इस पोस्टर का बैकग्राउंड भी काफी फियर्स है, जिसमें एक एक्सप्लोजन दिखाया गया है और साथ ही लिखा हुआ है कीप काम एंड फेस द डेविल। इस पोस्टर पर फैंस के काफी अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं और अब उन्हें बस फिल्म देखने की ही जल्दी है। और साथ ही यहां गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक लियो के 3 पोस्टर्स रिलीज हुए हैं और इन तीनों में ही लियो की अलग अलग टैगलाइंस है, जो एक हिडन हिंट भी हो सकती है। और साथ ही लियो का जो तमिल पोस्टर आया है उसमें सिर्फ थलापति विजय ही नजर आ रहे हैं विद द टैगलाइन कीप काम एंड प्रिपेयर फॉर द बैटल। लेकिन फिल्म के हिंदी पोस्टर में संजय दत्त को भी
इंक्लूड किया गया है और टैगलाइन भी पोस्टर के हिसाब से बदल दी गई है और ये फिल्म मेकर्स की एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी कही जा सकती है। इससे पहले जो विजय का फर्स्ट लुक पोस्टर आया था उसमें लिखा था कीप काम एंड अवॉइड द बैटल। अब फिल्म में पॉसिबल है कि लियो पहले बैटल को अवॉइड करेगा, फिर उसकी प्रिपरेशन करेगा और फिर डबल से फेस ऑफ करेगा। फिल्म में तो लियो और एंटनी दास का फेस ऑफ होगा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लियो के साथ टाइगर श्रॉफ की गणपत का क्लैश होने जा रहा है, जो इंडिया की पहली डिस्टेंट फ्यूचर में बनी फिल्म होने वाली है, जहां लियो एक के बाद एक पोस्टर रिलीज कर रहा है। वही गणपत के मेकर्स शांत बैठे हुए हैं और अभी तक सिर्फ डेट अनाउंस की गई है और फैंस को इंतजार है लियो के साथ साथ गणपत की अपडेट्स का भी। लियो 19 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं सेवन स्क्रीन स्टूडियो के ललित कुमार और म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं साउथ के कालिदास अनिरुद्ध रविचंद्र, जो फिल्म के डायरेक्टर लोकेश के साथ इससे पहले मास्टर और विक्रम जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं और विजय के साथ भी लोकेश का ये थर्ड कोलैब है। इससे पहले दोनों कैथी और मास्टर में काम कर चुके हैं। विजय थलापति तमिल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और इन्हें कहते हैं मैन विद सिंप्लिसिटी। इनके नाम पे ही दोस्तों फैंस शोर मचाने लगते हैं और ऐसा शोर अब उनके आने वाली फिल्म लियो को लेकर भी सुनाई दे रहा है। इस फिल्म को लोकेश कनकराज डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें थलापति 40 की उम्र का एक कैरेक्टर निभाने वाले हैं, वैसे वो असल में 49 साल के हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे दोस्तों ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जो कश्मीर में चॉकलेट फैक्ट्री चला रहा है और फिर लोकेश की हर फिल्म की तरह इसमें भी हाई वोल्टेज ड्रामा, एक्शन, एलिवेटिंग मोमेंट्स, ये सब प्लॉट के साथ दिखाई देगा। पर दोस्तों इस फिल्म के पोस्टर्स कुछ अलग ही बता रहे हैं। जैसे एक पोस्टर में हमें फायर नजर आता है तो दूसरे पोस्टर में आइस, यानी कि दो ऑपोजिट चीजें। तो दोस्तों ये विजय के दो अलग अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो हमें एक्सट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे। वैसे इन द वर्ल्ड ऑफ अनटेम्ड रिवर्स काम वाटर ईदर बिकम डिवाइन गॉड और ड्रेटेड डेमन्स, ये पोस्टर की टैगलाइन भी काफी हटके है जो हमें डेमन के बारे में बताती है दोस्तों, और गॉड के बारे में भी। हो सकता है कि विजय इस बार ड्यूअल कैरेक्टर में नजर आए, मतलब उसमें से एक गैंगस्टर होगा तो दूसरा चॉकलेट फैक्ट्री चलाने वाला आम इंसान। दोस्तों वैसे ये पहली बार नहीं होगा जहां पर हम विजय को डबल रोल निभाते हुए देखेंगे। उन्हें सबसे पहले साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तामिज मगन में डुअल रोल निभाया था। फिर साल 2014 में रिलीज हुई कैथी, 15 में रिलीज हुई पुली, 2019 में रिलीज हुई बिगल में भी उन्होंने डबल कैरेक्टर निभाया था। दोस्तों ये पांचवी बार होगा जब हमें विजय की ड्यूअल पर्सनालिटी नजर आएगी। वैसे फिल्म मार्शल में उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रिपल कैरेक्टर प्ले किया था। वैसे दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि शाहरुख खान की जवान हो, रणबीर कपूर की एनिमल हो या रामचरण की अपकमिंग फिल्म गेम चेंजर हो, सब में फादर और सन कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस किया गया है और प्लॉट भी उसी तरह से लिखा गया है जो कि दोस्तों आजकल ट्रेंड की तरह चल रहा है। तो लियो में भी इस ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा, हमें फादर सन प्लॉट दिखाई देगा जहां पर ऐसा कहा जाता है कि संजय दत्त विजय के पापा के कैरेक्टर में नजर आएंगे। तो दोस्तों अभी सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा पर ऐसा ही कहा जा रहा है। अब उसकी बैक स्टोरी क्या है यह हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। शाहरुख खान की फिल्म पीछे छोड़ सकती है। तमिल डायरेक्टर लोकेश कनगराज के लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी LCU के अंडर बनाई जा रही एक और नई फिल्म जिसका नाम है लियो, और इस फिल्म में नजर आने वाले हैं तमिल सुपरस्टार विजय थलपति। वैसे लोकेश की फिल्में जबरदस्त तो होती ही हैं पर उसका रन टाइम ज्यादा होता है, इसीलिए फिल्म का रन टाइम कम करवाने के लिए लोकेश से कहा गया था। और इससे पहले लोकेश की दो फिल्में देखें जैसे कि विक्रम और मास्टर, दोनों का रन टाइम ज्यादा था। मास्टर का रन टाइम 178 मिनट्स था और विक्रम का रन टाइम 173 मिनट्स। पर अब लियो का रन टाइम ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वो कैथी स्टाइल फॉलो करेगा, यानी कि लोकेश की फिल्म कैथी की तरह इसका रन टाइम रखा जाएगा। तो अब लियो का रन टाइम होगा 159 मिनट्स, मतलब 2 घंटे 39 मिनट। वैसे इस गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर ड्रामा में हमें विजय और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का जोरदार फेस ऑफ देखने को मिलेगा, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि संजय फिल्म में गैंगस्टर बनते तो नजर आएंगे ही पर ये विजय के पिता के कैरेक्टर में नजर आएंगे, और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त इन दोनों का रोल होगा। और संजय इसमें रूलर एंटनी दास नाम के रूलर बने हैं, वैसे वो इस फिल्म के लिए 8 करोड़ फीस ले चुके हैं। वैसे लोकेश ने इस फिल्म की कहानी फिल्म मास्टर से पहले लिख दी थी और उन्हें जबरदस्त कहानी लिखने के लिए 6 महीने लगे थे, और फिल्म की स्टोरी में उनका हाथ बटाया रत्ना कुमार जो इससे पहले उनके साथ मास्टर और विक्रम के लिए काम कर चुके हैं। और जैसे ही लोकेश ने यह कहानी विजय को सुनाई, विजय का दिल खुश हो गया और उन्होंने फिल्म साइन करने का फैसला किया, पर इसके लिए वो 120 करोड़ चार्ज कर रहे हैं।
वैसे विजय का हर एक पोस्टर देखकर फैंस हैरान हैं क्योंकि इस बार उनका जो हेयर स्टाइल है वो काफी अलग है। और जैसे कि लोकेश ने कहा कि मास्टर और विक्रम से बिल्कुल हटके ये होने वाली है उनकी ये अपकमिंग फिल्म, तो किसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने विजय का मेकओवर कर दिया, जहां पर उन्होंने 30 अलग अलग लुक्स को ट्राई किया और फाइनली जाकर उन्होंने एक ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल विजय को दिया। वैसे विजय के साथ इसमें नजर आने वाली हैं एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन, जिनका विजय के साथ ये पांचवा कोलैबोरेशन है और इस फिल्म के लिए 5 करोड़ वो ले चुकी हैं और तमिल इंडस्ट्री की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी हैं। वैसे लोकेश कनगराज की फीस भी काफी तगड़ी है, जो अक्सर अपनी फिल्मों के लिए 50 से 75 करोड़ रुपए लेते हैं, पर लियो के लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए लिए और इतनी बड़ी अमाउंट की वजह से ही फिल्म का बजट 300 करोड़ रखना पड़ा है। वैसे लियो तो 19 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, पर इस फिल्म का मुकाबला रवि तेजा की टाइगर नागेश्वर राव से भी होने वाला है, जो 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। तो वही नंदामुरी बाला कृष्णा की फिल्म भगवंत केसरी भी आ रही है, जो कि रेस में है और 19 को ये रिलीज होने वाली है। जिस ट्रेलर का पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इंतजार था वो ट्रेलर आ चुका है, और अगर इस ट्रेलर को एक वर्ड में एक्सप्लेन किया जाए तो इसे हम कहेंगे मैसिव। स्पेशली 1 मिनट 27 सेकंड पर जो विजय तलपति का लुक था वो टोटली आउटस्टैंडिंग और गूजबम्प्स देने वाला है। लियो के ट्रेलर में 5 पॉइंट्स थे, पहला विजय तलपति की एंट्री, दूसरा कश्मीर की वादियों में एक्शन सीक्वेंस, तीसरा संजय दत्त और अर्जुन सरजा का डुओ, चौथा फिल्म के बैक टू बैक एक्शन सीन्स और पांचवा वेयरवुल्फ का आना, जो सेम लियो के पोस्टर में भी था, और इन सारी चीजों को कॉम्प्लीमेंट दे रहा था पीछे बज रहा अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर। इस 2 मिनट 44 सेकंड के ट्रेलर में सब कुछ था, लेकिन इसे इस तरह से बनाया गया था कि हमें स्टोरी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, सिवाय इसके कि विजय तलपति और संजय के बीच होने वाला है घमासान एक्शन, जिसमें लियो की जान के साथ साथ उसकी फैमिली भी दांव पर लगी है। एलसीयू की तीसरी फिल्म का ट्रेलर बाकी दोनों फिल्म से काफी अच्छा था, और खास तौर पर तलपति, संजय दत्त और अर्जुन सरजा के लुक को उनके कैरेक्टर के साथ काफी अच्छे से मैच किया गया है। लियो एलसीयू की तीसरी मूवी होने वाली है, पहली थी कैथी, दूसरी थी विक्रम, और विक्रम के एंड में सूर्या ने धमाकेदार एंट्री मारी थी रोलेक्स के अवतार में, जिसमें उन्होंने पूरे के पूरे एलसीयू को जोड़ दिया था, लेकिन कहीं पर भी लियो का नामो निशान नहीं था। उतना ही दिलचस्प होगा कि कैसे लियो को एलसीयू से जोड़ा जाता है। ट्रेलर आने के सिर्फ आधे घंटे में ही इस वीडियो को 6.1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और बहुत सारे लाइक्स और ढेर सारे कमेंट्स, जो कि तलपति के फैंस की तरफ से भरमार में आ रहे हैं। अनिरुद्ध का म्यूजिक हर बार की तरह अपना जादू चला रहा है और तलपति का कमबैक सबको फिल्म देखने के लिए अभी से लाइन में खड़ा होने के लिए एक्साइटेड कर रहा है, और अब तो हम भी थिएटरों में जाकर तालियां और सीटियां बजाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर ने तो आग ही लगा दी, और ये ट्रेलर बहुत जल्द ही बन जाएगा मोस्ट पॉपुलर और व्यूड वीडियो। लियो आ रही है 19 अक्टूबर को और इसकी पहले दिन की ही कलेक्शन ताबड़तोड़ होने वाली है। मेरा मानना है कि इसके पहले दिन की कलेक्शन होगी आराम से 200 करोड़ के ऊपर। थलापति विजय अब कुछ ही दिनों में बड़े पर्दे पर अपनी मूवी लियो के साथ आ रहे हैं विद डिफरेंट लुक्स एंड हेयर स्टाइल्स। थला को हमने हमेशा ही उनकी एक सिग्नेचर हेयर स्टाइल के साथ देखा है ना, और वो रेयरली चेंज करते हैं क्योंकि उन्हें बार बार अपनी हेयर स्टाइल चेंज करना पसंद ही नहीं है। लेकिन थला ने अपनी मूवी लियो के लिए करीब 30 हेयर स्टाइल ट्राई की है और तब जाकर उन्होंने एक फाइनलाइज की जो उनके किरदार को एकदम जस्टिस दे रही है, और उन्हें भी ये हेयर स्टाइल काफी अच्छी फीलिंग दे रही है। और लियो के ट्रेलर को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि थला हमें 2 डिफरेंट लुक्स और हेयर स्टाइल में नजर आने वाली हैं। लेकिन थला की डेडिकेशन की दाद देनी होगी, जिन्हें स्टाइल चेंज करना पसंद नहीं था उन्होंने अपने लुक और कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए 30 अलग अलग स्टाइल्स ट्राई की, और इस मामले में उन्होंने बादशाह खान को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्हें अपनी हेयर स्टाइल और लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना काफी पसंद है। उन्होंने अपनी मूवी डॉन 2, हैवी न्यू ईयर और जवान के लिए कई सारी हेयर स्टाइल और लुक्स भी ट्राई किए हैं। तो वहीं लियो को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफाइड तो कर दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने लियो की टीम को मूवी में 13 जितने चेंजेस करने को भी कहे हैं।
लियो को मिला सर्टिफिकेट ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसमें से ये पता चल जाता है कि लियो का रन टाइम 164 मिनट्स यानी 2 घंटे 44 मिनट का होगा। लेकिन इन चेंजेस की वजह से मूवी के प्लॉट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। चेंजेस ज़्यादातर वाइल्ड एक्शन सीन्स में होंगे, जहाँ कम खून खराबा दिखाया जाएगा और साथ ही कुछ काफ़ी इंटेंस सीन्स को भी ब्लर किया जा सकता है। इस साल आई कई सारी फिल्मों को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफाइड किया है। वैसे यूए सर्टिफिकेट का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड बट विद अ पेरेंटल डिस्क्रिशन एडवाइजरी फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल के अंडर वाली ऑडियंस इस मूवी को अपने पेरेंट्स को परमिशन के बिना नहीं देख सकती। इस साल आई फिल्मों में दी केला स्टोरी, ओ माय गॉड 2, जवान, चंद्रमुखी 2 और अब लियो और रणबीर कपूर की एनिमल को भी मिला है यूए सर्टिफिकेट। इसके साथ ही लियो के ट्रेलर को देखने के बाद हमें मूवी की लीड एक्ट्रेस त्रिशा के रोल के बारे में इतना कुछ तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मूवी में लियो यानी थला के परिवार पर मुसीबत आने वाली है और एक वायरल फैन थ्योरी के हिसाब से मूवी में त्रिशा के कैरेक्टर को ही मारा जाएगा और इसी वजह से कॉमन कैफे ओनर बन जाएगा स्वीट ब्लडी किलर, क्योंकि जब कॉमन मैन के परिवार पर बात आती है तब वो कॉमन मैन से डेंजरस मैन बन जाता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। क्या फिल्म लियो के मेकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं विजय थलापति का नाम? किसने कहा फिल्म लियो देगी रोलेक्स को टक्कर? कैसे विजय थलापति के लिए स्मोकिंग बनी प्रॉब्लम? हेलो, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है मौलिक राज स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। फिल्म लियो की कहानी नॉर्मल होगी। फिल्म को सिर्फ एक्टर विजय थलापति के नाम की वजह से इतना बड़ा बताया जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना था कि फिल्म अगर हिट होगी तो वो विजय के नाम की वजह से ही हो पाएगी वरना नहीं हो पाएगी। तो इस खबर के बारे में फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनकराज ने कहा, ये सभी बातें फालतू और बकवास है क्योंकि उन्होंने खुद फिल्म की कहानी लिखी है और विजय को सुनाई भी है। अगर फिल्म की कहानी में कोई बात नहीं होती तो विजय इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी कोई खराब स्क्रिप्ट पर काम करके अपनी इमेज क्यों बिगाड़ना चाहेंगे। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद उन्होंने विजय के साथ एक फोटो पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया पर और कैप्शन में ये लिखा था कि वो बहुत एक्साइटेड हैं लियो फिल्म को लेकर, ताकि वो ऑडियंस का रिएक्शन देख सके। अब एक्टर सूर्या को टक्कर देते हुए नजर आएंगे और ऐसा खुद लियो फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनकराज ने कहा था। जब एक इंटरव्यू में लोकेश से पूछा गया था कि सर आपकी हर फिल्म किसी ना किसी दूसरे फिल्म से कनेक्टेड होती है, तो क्या आपकी लियो और आपकी ही फिल्म विक्रम जो साल 2022 में आई थी उसके दूसरे पार्ट यानी विक्रम 2 के बीच कोई पॉजिटिव कनेक्शन देखने को मिल सकता है? इस सवाल को सुनते ही लोकेश हंसकर बोले, सिर्फ पॉजिटिव? इतना कहते ही लोकेश एकदम से चुप हो गए, उन्होंने इसके आगे एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन अब ऑडियंस अंदाजा लगा रही है कि अगर लोकेश ने ऐसा कुछ कहा है फिल्म के बारे में तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो कनेक्शन हो सकता है। वैसे सूर्या ने रोलेक्स जैसा खतरनाक और पावरफुल कैरेक्टर प्ले किया था, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ये बात कंफर्म है कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की दुनिया ही बदल देंगे। तो सब देखना ये है कि मेकर्स का ये दावा कितनी हद तक सच होता है और क्या सच में लियो वर्सेज रोलेक्स मुकाबला होगा या नहीं। भाई जब भी किसी बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है तो कुछ लोग उस फिल्म में कमी निकालने बैठ जाते हैं और वैसे ही हुआ फिल्म लियो के साथ भी। लियो की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब उसकी एडिटिंग शुरू होगी। मेकर्स ने जैसे ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि शूटिंग पूरी हो चुकी है, ठीक उसके कुछ दिनों बाद ही खबरें आई कि फिल्म में एक्टर विजय थलापति बहुत सारी सिगरेट्स पी रहे हैं जो ऑडियंस को गलत मैसेज दे सकती है। फिर क्या था, जैसे ही मेकर्स पे बात पता चली उन्होंने एक पोस्ट करके कंफर्म किया था कि विजय ने कोई रियल सिगरेट नहीं पी थी। क्या हुई अधीरा की एंट्री? क्या कहा संजय दत्त ने फिल्म को लेकर? विजय की फिल्म कैसी रही बॉक्स ऑफिस पर? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने स्टार संजय दत्त अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। संजय दत्त बॉलीवुड के साथ साथ साउथ की फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा रहे हैं। साउथ की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में वो अहम रोल में नजर आए थे। आपको बता दें कि संजय दत्त के इस किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। यश की फिल्म केजीएफ 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यश की केजीएफ 2 कन्नड़ इंडस्ट्री की फिल्म थी। इसके बाद एक और कन्नड़ इंडस्ट्री की फिल्म में संजय दत्त की एंट्री होने वाली है। इसी बीच उन्होंने बॉलीवुड को लेकर कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिसको लेकर
खूब चर्चा हो रही है। आगे आपको बता दें दोस्तों कि थलापति विजय बीस्ट की पिछली रिलीज को भले ही बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन मिला हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उससे पहले सुपरस्टार ने एक शानदार रन बनाया था जिसमें लगातार 6 बड़ी हिट फिल्में थी। जी हाँ, विजय अब वरिसु उर्फ थलापति 67 में दिखाई देंगे, जिसमें रश्मिका मंदाना अभिनीत और वामसी पेटीपल्ली द्वारा निर्देशित है। वास्तव में मानो या ना मानो, बीस्ट फिल्म की महत्वपूर्ण और व्यावसायिक निराशा ने अभिनेता विजय की अगली फिल्म के उत्साह को और भी बढ़ा दिया है और अब हमारे पास वरिसु अपडेट है। ये थलापति विजय के प्रशंसकों के लिए उस उत्साह को कई स्तर तक बढ़ाने वाला है। वास्तव में थलापति 67 में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, संजय दत्त ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं। बॉलीवुड के साथ साथ साउथ में KGF 2 में भी संजय दत्त ने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया था। अभी हाल ही में संजय दत्त ने KD द डेविल की हिंदी टीजर रिलीज के दौरान कहा कि बॉलीवुड को अपनी जड़ कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साउथ में बहुत पैशन और एनर्जी के साथ फिल्में बनाई जा रही हैं, मैं और भी साउथ की फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि संजय दत्त KD द डेविल फिल्म में काम कर रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद ऐसा संजय के फैंस काफी उत्साहित हैं सुनकर के ये न्यूज। आने वाले समय में संजय दत्त को कई साउथ की फिल्मों में देखा जा सकता है। कन्नड़ इंडस्ट्री की फिल्म के बाद अब संजय दत्त तमिल मूवीज में आने वाले हैं। क्या साउथ सुपरस्टार रजनीकांत आएंगे फिल्म लियो के साथ? क्या है फिल्म लियो का बजट? क्या मेकर्स ने की गदर 2 की कॉपी? दोस्तों, एक्टर रजनीकांत, शायद इनका नाम ही काफी है किसी भी फिल्म को हाइप देने के लिए। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि रजनीकांत को डायरेक्टर लोकेश कनगराज का काम इतना पसंद आया कि रजनीकांत ने लोकेश को ये कह डाला कि अरे भाई, तुम इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हो, एक फिल्म मेरे साथ भी बना लो। जैसे ही ये बात रजनीकांत ने लोकेश से कही, लोकेश की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लोकेश ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि जरूर, वो उनके साथ जरूर काम करेंगे, लेकिन फिलहाल तो वो अपनी मच अवेटेड फिल्म लियो की तैयारी में काफी बिजी है। लियो के पूरे होते ही वो रजनीकांत के साथ काम करने के लिए किसी स्क्रिप्ट में बिजी हो जाएंगे। क्या पता दोस्तों, लोकेश लियो में ही रजनीकांत का कैमियो करवा दे। लियो ने तो ऑडियंस के बीच क्रेज बढ़ाया ही है, लेकिन अब देखना यह है कि अगर लियो में रजनीकांत कैमियो करेंगे तो क्या होगा। एक्टर्स ऑडियंस के बीच आए और ऑडियंस कोई रिएक्शन ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही हैदराबाद की शूटिंग पूरी हो गई और एक्टर विजय थलापति अपनी वैनिटी वैन की तरफ जा ही रहे थे कि उनके एक फैन ने उन्हें रोककर ये कहा कि सर, आप तो बिल्कुल एक्टर सनी देओल के कैरेक्टर में आ गए हैं। जहां एक तरफ सनी पाजी अपनी फिल्म गदर 2 में हथौड़े से अपने विलन को मारते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही आप भी फिल्म लियो में विलन को हथौड़े से मारने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये सुनते ही विजय हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी उसके हिसाब से उन्होंने शूट किया है। रही बात हथौड़े का इस्तेमाल करने की, तो वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि मेकर्स ने किसी भी सीन को किसी दूसरी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर नहीं बनाया है। अब देखना ये है कि विजय अपने हथौड़े से कितनों को मारते हैं। दोस्तों, आजकल के मेकर्स अपने फिल्म का बजट ऐसा रखते हैं ना कि फिल्म देखने के बाद ऑडियंस के मुंह से निकल ही जाता है कि आखिर इतना पैसा गया कहाँ। ऐसा ही कुछ फिल्म लियो के साथ होने वाला है क्योंकि फिल्म का बजट 250 करोड़ से 300 करोड़ रखा गया है। लेकिन इस फिल्म के साथ ना हर चीज उल्टी होने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ कुछ फिल्मों को देखकर ऑडियंस ये सोचती है कि फिल्म में इस्तेमाल किया गया सारा पैसा गया कहां, तो वही जब ऑडियंस लियो फिल्म को देखेगी तो उनके मुंह से ये निकलेगा कि इसे बोलते हैं बड़े बजट वाली फिल्म और पैसा वसूल फिल्म। बीस्ट, मास्टर, पोकिरी, जिल्ला आदि फिल्मों से विजय पूरे साउथ इंडिया के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों और उसके बाहर भी फिल्म प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। अपने जीवन से बड़े ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी, दमदार डायलॉग्स और अमेजिंगली परफॉर्म्ड एक्टर जैसे व्यक्तित्व के साथ विजय इंडस्ट्री में गिने जाने वाले नामों में से एक बन गए हैं।
उनके फिल्में उनके ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी के अनुरूप बनाई जाती है और उनके स्क्रीन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए एक फॉर्मूले को फॉलो किया जाता है। उनके फैंस अपने एक्टर को एक्शन में देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ पड़ते हैं और वो अब एक नई फिल्म लियो लेकर आ रहे हैं जिसमें विलेन के तौर पर संजय और अर्जुन दिखने वाले हैं। अर्जुन और संजय नेगेटिव किरदारों में किसी भी तरह फिट हो जाते हैं। KGF, पानीपत, खलनायक, शमशेरा, अग्निपथ, वास्तव में एपिक परफॉर्मेंस देने वाले संजय दत्त एक बार फिर लियो में दिखने वाले हैं, जिसमें खुद लियो के स्टंट मास्टर ने बोला है, मैं उत्सुक हूं तीनों सुपरस्टार्स को एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए, क्योंकि ये एक मास एंटरटेनर होने वाली है। विजय के पूरे दक्षिण भारत में बहुत बड़े प्रशंसक हैं और वो तेजी से देश के अन्य हिस्सों और उसके बाहर भी फिल्म प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। अपने जीवन से बड़े ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व, दमदार संवादों और सर्वोत्कृष्ट नायक जैसे आकर्षण के साथ विजय उद्योग में गिने जाने वाले नामों में से एक बन गए हैं। उनकी फिल्में उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के अनुरूप बनाई जाती हैं और उनकी वीरता को बढ़ाने के लिए एक परिचित फॉर्मूले का पालन किया जाता है। उनके प्रशंसक अपने नायक को एक्शन में देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ पड़ते हैं और उनकी हर हरकत का स्वागत करते हैं। थलपति विजय के अलावा लियो की पहली खासियत इसके डायरेक्टर लोकेश कनगराज हैं। लोकेश कनगराज और विजय ने मास्टर में साथ काम किया था। लियो में दोनों दूसरी बार साथ काम कर रहे हैं। लोकेश कनगराज एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी बनाई हुई मान गरम, कैथी, मास्टर और विक्रम जैसी एक्शन फिल्में डायरेक्टेड हैं और लियो विजय की सेकेंड लास्ट फिल्म होगी। इस फिल्म के बाद एक फिल्म और वो करेंगे, फिर वो राजनीति में अपना लक आजमाएंगे और एक्टिंग से दूरी बना लेंगे। बॉलीवुड में अगर स्पाई यूनिवर्स है, कॉप यूनिवर्स है, तो तमिल इंडस्ट्री में डायरेक्टर लोकेश कनगराज का भी एक बड़ा यूनिवर्स है, जिसमें बनाई जा रही है मूवी लियो ब्लडी स्वीट, जिसमें विजय थलापति का सुपर स्टारडम, अनिरुद्ध का मैट्रिकल म्यूजिक, अर्जुन सरजा नाम का एक एक्शन किंग और बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त नजर आने वाले हैं। पर सब अच्छे से चलते वक्त मूवी के काम को लग गया है ग्रहण। मूवी की टीम में शामिल है दो नाम, अनबरी डुओ यानी स्टंट मास्टर डुओ अनबुमानी एंड अरिवुमानी, और फाइट मास्टर थवासी ये इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पर इस मूवी का जब एक स्केड्यूल कश्मीर में पूरा होने जा रहा था, तब वहां पर इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। थवासी ने अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हुए कहा कि कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, पर कश्मीर में कई ऐसी जगह भी है जहां पर शूट करना काफी रिस्की है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे स्पॉट पर शूटिंग की जाए तो हम लौट कर वापस आएंगे या नहीं, मतलब इंसान जन्नत में जाएगा कि नहीं पता नहीं, पर इस दुनिया से जरूर चला जाएगा। जब वो दिन में शूटिंग कर रहे थे तब सबको सावधानी से काम करना पड़ता था, और जब वो रात के टाइम काम करते थे तब पूरी सेफ्टी के साथ जान मुट्ठी में लेकर काम करना पड़ता था। वैसे ये वही थवासी है जो तमिल इंडस्ट्री के जानी मानी स्टंट कोरियोग्राफर है, जिन्होंने इससे पहले थलापति की मूवी बैरावा में भी काम किया था। पर इनके बारे में एक बार जानते हुए हैरानी होगी कि इन्होंने एक बार स्टंट कोरियोग्राफर यूनियन ऑफिस के सामने खुद को आग लगाकर सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, वो भी चेन्नई में, पर फिर मामला शांत हो गया था। वैसे जहां बात आती है अनबरीव की, तो अनबरीव कॉलीवुड में उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसमें लोकेश कनगराज और अनिरुद्ध लीड रोल में होंगे। अब लोकेश का तो ठीक है, पर अनिरुद्ध भी, बात तो इंटरेस्टिंग है पर कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। पर अनबरीव ने लियो में ऐसे सीक्वेंस शूट किए हैं जो बिल्कुल नेचुरल लगेंगे, जिसके लिए उन्होंने बढ़िया होमवर्क और रिहर्सल भी किया है। तो इस मूवी के स्टंट कोरियोग्राफर को पूरी उम्मीद है कि लियो एक्शन के मामले में तो तमिल इंडस्ट्री में तूफान लाने वाली है। वैसे लोकेश के यूनिवर्स में यानी कि LCU में कार की कार्ती की कैथी बनी है, कमल हसन की विक्रम बनी, पर अब विजय की लियो इन दोनों को भी पीछे छोड़ने के रास्ते पर है। अगर रणबीर कपूर की मूवी एनिमल वायलेंस की डेफिनेशन बदलने वाली है, तो वही विजय थलापति की मूवी लियो वायलेंस की नई डेफिनेशन ही लिखने वाली है। मतलब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वायलेंस नहीं करना चाहिए, पर इन लोगों ने अपनी फिल्मों में इसका बिल्कुल उल्टा किया है। हालांकि ये सब फिल्मों में हो रहा है, वैसे लियो अपनी वायलेंट और हट के कैरेक्टर्स की वजह से इतना बस क्रिएट कर चुकी है कि फैंस ट्रेलर देखने के बाद ही थिएटर्स में तोड़ फोड़ करने लगी, और ऐसे वायलेंस में बच्चे भी होते हैं जिन पर इसका असर होता है।
तो बच्चों पर असर ना हो इसलिए सेंसर बोर्ड ने कुछ सीन्स कट या रिप्लेस करने के लिए भी कहा है। वैसे इंडिया में मूवी की क्या सिचुएशन होगी पता नहीं, पर अहिंसा एंटरटेनमेंट जो यूके में बेस्ड है एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन्होंने तय किया है कि ये लोकेश कनगराज की मूवी है, इस केस में कोई कट्स नहीं लगाए जाएंगे और ये मूवी जब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचेगी उसके बाद वो भी तय कर सकते हैं कि 12 साल और उसके नीचे के बच्चों को ये मूवी दिखाई जानी चाहिए या नहीं, पर अभी के लिए तो मूवी 15 और 15 से ऊपर के बच्चे देख सकते हैं। वैसे ही वायलेंट हरकतों की वजह से थोड़ा संभल कर डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब ये जबरदस्त मूवी जरूर होगी पर इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो जानवर हैं। अब देखिए ना, जैसे कि अर्जुन सजा जो कैरेक्टर है हेरोल्ड दास, उसका अंदाज बिल्कुल रोलेक्स की तरह नजर आ रहा था, वही रोलेक्स जो हमें विक्रम के क्लाइमेक्स में नजर आया। हेरोल्ड ने उसी की तरह कार में एंट्री ली, उसकी फैक्ट्री में सारे लोग इकट्ठा हुए और हेरोल्ड ने अपना गुस्सा निकालते हुए एक बंदे का हाथ काटा, पर वही रोलेक्स ने पूरे एक बंदे को ही मार दिया। मतलब हेरोल्ड और रोलेक्स में कौन खतरनाक है ये दिख रहा है। खैर, इसी वजह से सेंसर बोर्ड भी डर जाता है, पर यूके में नो कट्स के साथ मूवी देखेंगे, मतलब उन्हें कोई डर नहीं लग रहा। क्या फिल्म लियो रजनीकांत की जेलर को मात दे पाएगी? क्या थलपति का स्टार पावर सब पर भारी पड़ेगा? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। रॉक स्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर बॉक्स ऑफिस को हिला देने के अपने मिशन पर तो है ही, पर अब जेलर को भी मात देने के लिए एक और फिल्म का वेलकम करना पड़ेगा। इस फिल्म का नाम है लियो और इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं विजय थलपति। डायरेक्टर लोकेश कनगराज के यूनिवर्स में बनी ये फिल्म 19 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। अब जहां पर लोकेश का विजन हो और विजय का स्टार पावर, वहां पर धमाका तो होगा ही। वैसे केरला में इस मूवी को लेकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये ओपनिंग डे पर ही 10 करोड़ रुपीस की कमाई करके केरला की पहली फिल्म बन जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि 60 करोड़ की ओवरसीज राइट्स डील करने वाली ये तमिल की एकमात्र फिल्म होगी। अब तमिल इंडस्ट्री में थलपति का सुपर स्टारडम हर किसी को पता है, तो इस डील में कोई नई बात नहीं थी। ऊपर से तमिलनाडु में भी विजय की फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। देखा जाए तो रजनीकांत के बाद अगर टॉलीवुड में किसी का सुपर स्टारडम है तो वो है विजय। तो उनकी फिल्म जेलर को टक्कर देने में कामयाब हो सकती है, जो कि एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा है। फिल्म के साथ काफी अच्छी टीम जुड़ चुकी है जिसमें सबके दिलों पर राज कर रहे म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र शामिल है, जिन्होंने जेलर का भी म्यूजिक कंपोज किया था जो अब धूम मचा रहा है। साथ ही इस फिल्म में विजय और त्रिशा कृष्णन की केमिस्ट्री दिखाई देगी, जो कि फिल्म के लिए एक और प्लस पॉइंट होगा। वैसे साउथ इंडस्ट्री में ये दो स्टार्स अपनी फिल्मों से सब पर प्रेशर बनाए रख सकते हैं, पर असल में इन दो फिल्मों में भी काफी तगड़ा मुकाबला हो सकता है। विजय थलापति ताऊ सिनेमा के वो एक्टर जो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए काफी जाने जाते हैं। खास बात यह है कि विजय के चाहने वालों की तादाद पूरी दुनिया में मौजूद, इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट पर रिलीज होने से पहले विजय की लियो 100K ब्रिटिश पाउंड भी कमा चुकी है। वास्तव में लियो रिलीज के बाद धमाल मचाते हुए नजर आ सकती है। दोस्तों, विजय थलापति को पिछली बार बड़े पर्दे पर फिल्म बीस्ट में देखा गया था, हालांकि एक्टर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। तब से फैंस विजय को सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक करते हुए देखना चाहते हैं। जवान में उनकी कैमियो की उड़ी अफवाह ने लियो को हाइप दी है और कई विजय थलापति के फैन जवान उनका कैमियो ना होने पर नाराज भी हो गए हैं, जिसके कारण लियो की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच गौर करें कि विजय थलापति और डायरेक्टर लोकेश कनगराज की अपकमिंग फिल्म लियो की रिलीज डेट की तरफ तो ये फिल्म अगले महीने यानी कि 19 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। विजय थलापति तमिल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है और इन्हें कहते हैं मैन विद सिंप्लिसिटी। इनके नाम पे ही दोस्तों फैंस शोर मचाने लगते हैं और ऐसा शोर अब उनके आने वाली फिल्म लियो को लेकर भी सुनाई दे रहा है। इस फिल्म को लोकेश कनगराज डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें थलापति 40 की उम्र का एक कैरेक्टर निभाने वाले हैं, वैसे वो असल में 49 साल के हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
वैसे दोस्तों ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जो कश्मीर में चॉकलेट फैक्ट्री चला रहा है, और फिर लोकेश की हर फिल्म की तरह इसमें भी हाई वोल्टेज ड्रामा, एक्शन, एलिवेटिंग मोमेंट्स, ये सब प्लॉट के साथ दिखाई देगा। पर दोस्तों इस फिल्म के पोस्टर्स कुछ अलग ही बता रहे हैं। जैसे एक पोस्टर में हमें फायर नजर आता है तो दूसरे पोस्टर में आइस, यानी कि दो ऑपोजिट चीजें। तो दोस्तों ये विजय के दो अलग अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो हमें एक्सट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे। वैसे इन द वर्ल्ड ऑफ अनटेम्ड रिवर्स काम वाटर ईदर बिकम डिवाइन गॉड और ड्रेटेड डेमन्स, ये पोस्टर की टैगलाइन भी काफी हटके है जो हमें डेमन के बारे में बताती है दोस्तों, और गॉड के बारे में भी। हो सकता है कि विजय इस बार ड्यूअल कैरेक्टर में नजर आए, मतलब उसमें से एक गैंगस्टर होगा तो दूसरा चॉकलेट फैक्ट्री चलाने वाला आम इंसान। दोस्तों वैसे ये पहली बार नहीं होगा जहां पर हम विजय को डबल रोल निभाते हुए देखेंगे। उन्हें सबसे पहले साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म अजागिया तामिज मगन में डुअल रोल निभाया था। फिर साल 2014 में रिलीज हुई कैथी, 15 में रिलीज हुई पुली, 2019 में रिलीज हुई बिगल में भी उन्होंने डबल कैरेक्टर निभाया था। दोस्तों ये पांचवी बार होगा जब हमें विजय की ड्यूअल पर्सनालिटी नजर आएगी। वैसे फिल्म मार्शल में उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रिपल कैरेक्टर प्ले किया था। वैसे दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि शाहरुख खान की जवान हो, रणबीर कपूर की एनिमल हो, या रामचरण की अपकमिंग फिल्म गेम चेंजर हो, सब में फादर और सन कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस किया गया है और प्लॉट भी उसी तरह से लिखा गया है जो कि दोस्तों आजकल ट्रेंड की तरह चल रहा है। तो लियो में भी इस ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा। हमें फादर सन प्लॉट दिखाई देगा जहां पर ऐसा कहा जाता है कि संजय दत्त विजय के पापा के कैरेक्टर में नजर आएंगे। तो दोस्तों अभी सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा पर ऐसा ही कहा जा रहा है। अब उसकी बैक स्टोरी क्या है यह हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। गदर 2 के बाद जवान और जवान के बाद थलापति विजय की लियो करने वाली है बॉक्स ऑफिस पर डोमिनेंस, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूके में भी करेगी डोमिनेंस, क्योंकि फिल्ममेकर्स ने पूरी तैयारियां कर ली है यूके में लियो को जोरों शोरों से प्रमोट करने की। यूके के बिलबोर्ड्स और लोकल बसेस पर लियो फिल्म के पोस्टर्स लगना शुरू हो गए हैं और ये एक इंडियन फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है। और इस तरह के प्रमोशन के बाद ये भी उम्मीदें लगाई जा रही है कि लियो सिर्फ यूके से ही 20 से 30 करोड़ की कमाई करने वाली है। यूके, यूएसए और कनाडा में इंडियन फिल्मों के फैंस कई सारे हैं, खासतौर पर RRR और पठान को मिली कामयाबी के बाद इंडियन फिल्मों का क्रेज ओवरसीज में काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर लियो यूके से 20 से 30 करोड़ तक कमा लेती है तो इस फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 100 करोड़ तक पहुंच सकता है। लियो के टीजर को रजनीकांत सर की जेलर में इंटरवल के बाद अटैच किया गया था और ये देखकर फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी। वैसे तो टीजर से इतना कुछ रिवील नहीं हो रहा है, लेकिन थलापति विजय का ब्लडी स्वीट डायलॉग ही फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंचाने के लिए काफी है। साथ ही PS1 के बाद लियो दूसरी ऐसी तमिल फिल्म है जिसे IMAX फॉर्मेट में रिलीज किया जाने वाला है। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोकेश कनगराज के यूनिवर्स की ये फिल्म पुष्पा और KGF जैसी ही पॉपुलैरिटी भी हासिल करेगी और साथ ही ट्रेंडिंग भी रहेगी। दोस्तों तमिल सुपरस्टार विजय थलापति की फिल्म लियो के ट्रेलर का जो फीवर है ना, वो थर्मामीटर से मेजर नहीं होने वाला है। अब विजय की फिल्म में तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर लियो ट्रेलर को देखने के बाद आपको जरूर कमल हासन की फिल्म विक्रम की याद आएगी। हाँ, कुछ ऐसी चीज है जो आपको जरूरी विक्रम की याद दिला देगी, जैसे कि विक्रम और लियो दोनों ही लोके सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है जो डायरेक्टर लोकेश कनगराज को अपना ग्रैंड यूनिवर्स है। तो जरूरी दो फिल्मों का आपस में कनेक्शन होना या आपके लिए कोई चार कॉलेज बोर्ड का झटका तो नहीं होगा। पहले तो अगर हम विक्रम के कमल हासन और लियो के विजय दोनों को एक साथ देखेंगे ना, तो उनकी पर्सनालिटी आपको वही वाइब देगी, काम बिफोर द स्टॉर्म। अपना एक भयानक पास्ट लेकर ये दोनों भी एक फैमिली मैन बनकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों अगर ट्रेलर में आपने देखा होगा तो एक कुर्सी पर विजय अपनी बेटी को गले लगाकर किसी सोच में है, और यही सीन हमने विक्रम ने भी देखा था जहां पर हमें कमल हासन नजर आए थे। उतना ही नहीं बल्कि इन दोनों का इंट्रोडक्शन सीन अपनी अपनी फिल्मों में सेम तरीके से दिखाया गया था, जहां पर वो एक बैक प्रोफाइल लेकर खड़े होते हैं। वैसे दोनों हीरोज का कैच फ्रेज भी सेम है, जहां पर विक्रम अपने अंदाज में पूछ रहा है शुड वी स्टार्ट, तो वही लियो कह रहा है ब्लडी स्वीट। यानी कि इन दोनों की पर्सनालिटी ऐसी है जहां पर इनका साइलेंट अवतार धीरे धीरे करके इनका वॉयलेंट अवतार दिखाता है। मतलब बिल्कुल एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये वाला स्टाइल है। मतलब कहीं ना कहीं हमें कैरेक्टर्स काफी सिमिलर नजर आते हैं, उनका बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, इसमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। और दोनों में चल तेरे बाप को मत समझा, ये वाला एटीट्यूड भी है।
वैसे भी जब एक ही यूनिवर्स के अंदर एक ही डायरेक्टर अलग अलग फिल्म बनाता है ना, तो उनके कैरेक्टर्स में भी सिमिलैरिटी तो नजर आती ही है। जैसे वायारत में टाइगर हो, पठान हो, या फिर पॉप यूनिवर्स में सिंघम, सिम्बा या फिर सूर्यवंशी हो, पर भी हर एक का अपना अलग स्टाइल होता है। अब रैपिंग तो बादशाह और हनी सिंह दोनों ही करते हैं, पर दोनों का स्टाइल अलग है। वैसे ही विक्रम में कमल हासन का स्टाइल अलग था, वही लियो में विजय का स्टाइल अलग है। पावर पैक एक्शन से लेकर डांस तक विजय काफी हटके नजर आते हैं। जिस तरह का कैरेक्टर विजय लियो में दिखा रहे हैं, वैसे कैरेक्टर उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाया। 2016 की फिल्म थीनी में भी उनका यही अंदाज था। जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पर भी गैंगस्टर ड्रामा था, वहाँ पर भी फैमिली मैन था, पर स्टाइल और वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कैरेक्टर डिजाइन अलग है। पर विजय उसमें अलग ही रंग भर देते हैं, जिसकी वजह से कंपैरिजन सिमिलैरिटी ये भी मायने नहीं रखता। जिस गाने को लेकर हुई कंट्रोवर्सी, आज उस गाने ने पार कर लिए हैं 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज। लेकिन सेंसर बोर्ड की मार की वजह से थलापति विजय के कुछ शॉट्स हो गए हैं रिप्लेस, और उन्होंने जो पूरे गानों में हाथों में सिगार पकड़ी हुई है और पीछे डांसर्स ने बियर मग्स पकड़े हुए हैं, उन सीन्स को भी कर दिया गया है रिड्यूस। लियो का ना रेडी सॉन्ग जब आया था तब इस गाने को मेजॉरिटी लोगों ने तो पसंद किया और अच्छे रिव्यूज भी दिए, लेकिन चेन्नई के एक सोशल एक्टिविस्ट ने इस गानों को अल्कोहल और स्मोकिंग को प्रमोट करता हुआ कि इसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दी, और कई लोगों को ये गाना ऑफेंसिव भी लगा था। और इन्हीं सब के चलते अब ना रेडी सॉन्ग को UA रेटिंग दी गई है और इस गाने की 30 सेकेंड तक की लिरिक्स को सेंसर कर दिया गया है। लेकिन थला के लॉयल फैन बेस को इस गाने से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मोस्टली मास एक्शन मूवीज़ में अल्कोहल और स्मोकिंग का ज़्यादा यूज़ दिखाया ही जाता है। जैसे हाल ही में आई जवान में जब SR के एक शॉट में मुंह में सिगार लिए बेल्ट से गुंडों की पिटाई कर रहे थे, तब उसे सभी ने कूल माना था, लेकिन विजय के सॉन्ग को सेंसर करवा दिया गया। इसके साथ ही एक्टर रामाकृष्णन, जो लियो फिल्म का हिस्सा है, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में मूवी के एक सिंगल शॉट एक्शन सीक्वेंस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 20 से 30 मिनट्स के एक्शन सीक्वेंस में वो थलापति विजय के साथ एक फैक्ट्री में फाइट करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और स्टंट्स को पहले से ही अच्छी तरह कोरियोग्राफ किया गया था, और ये मूवी बाकी फिल्मों से अलग होने वाली है और ऑडियंस को एक नया एक्सपीरियंस देगी। मूवी की रिलीज में जहां एक महीने का वक्त बचा है, वहां इस तरह की अपडेट फैंस के एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा रही है। साथ ही LCU का हिस्सा बनने वाली लियो UK में अपना पावर दिखा रही है, और मूवी ने प्री सेल्स के पहले 24 घंटे में 100K यूरोज की कमाई कर ली है। लियो के UK डिस्ट्रीब्यूटर ने मूवी की बुकिंग्स ओपन करते हुए पहले दिन ही 10K से ज़्यादा टिकट्स बिक गई, और लियो ये अचीवमेंट हासिल करने वाली पहली तमिल मूवी बन गई। भले ही सेंसर बोर्ड की मूवी के गाने पर मार पड़ी, लेकिन लियो का क्रेज़ बरकरार है और ये मूवी दशहरे पर सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली। क्या फिल्म लियो के लिए मेकर्स ने करनी पड़ी अनुराग कश्यप को रिक्वेस्ट? क्या सेंसर बोर्ड देगा फिल्म लियो को ग्रीन सिग्नल? क्यों संजय दत्त को ही फिल्म लियो के लिए किया गया कास्ट? दोस्तों, डायरेक्टर लोकेश कनगराज अपने फिल्म लियो को बनाने में बिजी है, तो वही बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर भी लियो का हिस्सा बनना चाहते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर अनुराग कश्यप है। कुछ दिनों पहले अनुराग ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनका सपना था लियो फिल्म में काम करने का, वो भी एक्टर विजय थलापति के साथ। तब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद लोकेश मान गए अनुराग को लियो का एक हिस्सा बनाने के लिए। अब देखना ये है कि लोकेश ने अनुराग को रोल तो दिया है, लेकिन किस तरह का रोल है वो तो फिल्म के आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन अभी मेकर्स फिल्म से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और ना ही देना चाहते हैं। फिल्म लियो की शूटिंग पूरी हो चुकी है, वो भी 125 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद, और अब जब फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम बचा है वो है सेंसर बोर्ड से परमिशन लेकर फिल्म को ग्रीन सिग्नल देना। लियो के पोस्टर को देखकर यही लग रहा है कि फिल्म में बहुत खून खराबा होने वाला है, और अगर फिल्म में हद से ज्यादा वायलेंस हुआ तो सेंसर बोर्ड किसी भी हाल में फिल्म को रिलीज नहीं होने देगा। पर मेकर्स भी जानते हैं कि उन्हें फिल्म को ग्रीन सिग्नल कैसे दिलवाना है, इसीलिए वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि फिल्म को एक बार में ही सेंसर बोर्ड से ग्रीन सिग्नल मिल जाए, ताकि फिल्म जल्द से जल्द रिलीज हो सके। दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर यानी कि लोकेश कनगराज ने तो कहा था कि फिल्म में ज्यादा वॉयलेंस नहीं है, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनसे ऑडियंस डर सकती है, और लोकेश भी उन्हीं कुछ सीन्स को लेकर डरे हुए हैं। अभी के समय में अगर विलन के कैरेक्टर के लिए अगर कोई मेकर्स की पहली पसंद बना हुआ है तो वो है एक्टर संजय दत्त।
संजय ने फिल्म केजीएफ में अपनी एक्टिंग से लोगों को इतना इम्प्रेस कर दिया था कि एक्टर यश से ज्यादा ऑडियंस संजय की बातें कर रहे थे। सब नोटिस करने के बाद फिल्म लियो के मेकर्स ने फैसला किया कि वो फिल्म में अगर विलन के कैरेक्टर के लिए किसी को कास्ट करेंगे तो वो संजय ही होंगे। संजय को जब लियो की स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया, उन्हें अप्रोच किया गया, तो संजय ने कहानी सुनते ही हाँ बोल दिया था। यहाँ तक कि संजय ने ये भी बोला था कि उन्हें एक्टर विजय थलापति और डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, वो काफी है उनके लिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि संजय अपने कैरेक्टर से इस बार ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाते हैं या फिर नहीं। साउथ इंडस्ट्री का मास्टर यानी कि थलापति विजय को फैंस काफी चाहते हैं, उनके हर स्टाइल के लोग दीवाने हैं और इन दिनों उनकी आने वाली फिल्म लियो का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले फैंस के बीच विजय के बर्थडे को लेकर क्रेज बना हुआ था। विजय ने 22 जून को अपना 49वां बर्थडे मनाया है, लेकिन इससे पहले ही सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। उनकी फिल्म लियो का पहला गाना नारेडी बर्थडे पर रिलीज हुआ है। वहीं साउथ सुपरस्टार के नाम जन्मदिन से पहले ही एक खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। थलापति विजय का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ था। विजय ने अपनी एक्टिंग और स्टाइल से ना सिर्फ साउथ में बल्कि पूरे देश में एक खास जगह बना ली है। उनकी फिल्मों को हिंदी बेल के दर्शक भी देखना पसंद करते हैं। एक्टिंग के अलावा विजय का डांस भी काफी हिट है और म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्र के साथ उनकी जोड़ी काफी हिट है। फिल्म लियो के निर्देशक लोकेश कनगराज ने विजय के बर्थडे पर फिल्म का पहला गाना नारेडी रिलीज करने की घोषणा की थी, जिसका टीजर पहले रिलीज कर दिया गया था। अनिरुद्ध और विजय की जोड़ी जब भी लोगों के सामने आई है, गानों ने तो भाई कमाल कर दिया है। नारेडी रिलीज होते ही रिकॉर्ड बना रहा है। इस गाने का संगीत अनिरुद्ध ने तैयार किया है और इसे खुद विजय ने आवाज दी है। बात ही कमिंग अरेबिक कुत्थू के बाद इस गाने को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है और इसके 53 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। गाने को देखकर लग रहा है कि ये भी हाई बीट्स वाली पैपी नंबर है। विजय अपने पलमों से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, ऐसे में उनके फैंस भी उन्हें सरप्राइज करने की प्लानिंग करते रहते हैं। विजय के बर्थडे से पहले टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड पर उनके फैंस ने एक वीडियो प्ले किया। इसमें उनकी देयर, सरकार, मास्टर, बीस्ट आदि फिल्मों के पोस्टर शामिल थे। इसके साथ ही वे पहले ऐसे तमिल एक्टर बन गए हैं जो टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड पर नजर आए हैं। दोस्तों, अक्टूबर में नवरात्रि और दशहरे के फेस्टिवल के साथ साथ अगर लोगों को किसी का इंतजार है तो वो है थलापति विजय की लियो का, जो एक मास एक्शन थ्रिलर फिल्म है और लोकेश कनगराज के एलसीयू की थर्ड इंस्टॉलमेंट है। इस फिल्म ने ऑलरेडी अपने पोस्टर्स और गानों के साथ तमिल ऑडियंस की तो अटेंशन हासिल कर ली है और बाकी जगहों पर भी धीरे धीरे इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता जा रहा है। इसी बीच आया है अर्जुन सरजा के हैरोल्ड दास वाले किरदार का फर्स्ट लुक पोस्टर, जिसमें उनका स्वैग लाजवाब है और पोस्टर को काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वाला पोस्टर पिछले संजय दत्त और थाला वाले पोस्टर से काफी अच्छा है। साथ ही सन टीवी और फिल्म के प्रोडक्शन बैनर 7 स्क्रिप्ट स्टूडियो ने इस पोस्टर के साथ लियो की ट्रेलर की डेट भी अनाउंस की है, जो है 5 अक्टूबर, यानी आज कभी भी ट्रेलर आ सकता है। अर्जुन सरजा साउथ इंडस्ट्री के एक काफी प्रॉमिसिंग सीनियर एक्टर है जो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस और स्वैग के लिए जाने जाते हैं। अर्जुन किस फिल्म में हैरोल्ड दास वाले किरदार के बारे में अभी तक तो इतना कुछ रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इस किरदार की सरनेम से ये मालूम चलता है कि वो संजय दत्त के किरदार एंटनी दास से कनेक्टेड है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एंटनी दास फिल्म के विलन है, तो पॉसिबल है कि हैरोल्ड दास उसका हेल्पिंग हैंड होगा। हमें फिल्म इंडस्ट्री के दोनों सीनियर और टैलेंटेड एक्टर संजय दत्त और अर्जुन सरजा के इस ड्यूओ को देखने का मौका मिलने वाला है, जो एक ही टीम में है और उनका दुश्मन है लियो। इसके अलावा ये दोनों ही लियो से किस तरह से कनेक्टेड है, ये तो आने वाले ट्रेलर से मालूम चल ही जाएगा। इसके साथ ही खबर ये भी आ रही है कि लियो को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफाइड किया है और बहुत जल्द इस फिल्म को नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी शेयर किया जाएगा और 19 अक्टूबर के लिए तैयार किया जाएगा। ये फिल्म डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ यूके बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कलेक्शन करने वाली है। साथ ही इस एक्शन पैक गैंगस्टर फिल्म की लार्ज असेंबल कास्ट ही फिल्म को हिट कराने के लिए काफी है और फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी जाने माने सिनेमाटोग्राफर मनोज
परमहंसा ने की है और म्यूजिक को कंपोज किया है युद्ध की आवाज अनिरुद्ध रविचंद्र ने। कैसा है एक्टर अर्जुन सजा का फर्स्ट लुक? किस मौके पर डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने रिवील किया अर्जुन का लुक? दोस्तों, मल्टीलिंगुअल सिनेमैटिक एक्टर अर्जुन सजा, जिन्हें साउथ इंडियन सिनेमा में प्यार से एक्शन किंग कहा जाता है, उनके जन्मदिन पर फिल्म लियो के डायरेक्टर यानी कि लोकेश कनगराज ने एक ग्लिम्स वीडियो और पोस्टर शेयर किया है। वैसे ये वीडियो शेयर कर दिया गया है 15 अगस्त यानी कि इनके जन्मदिन पर। वैसे क्या गजब कनेक्शन है ना दोस्तों, अर्जुन जी की जोडियाक साइन भी लियो है और फिल्म भी लियो, मतलब अपनी कुंडली में ही ये लियो लिखवा कर आए हैं क्या। खैर, संजय दत्त इस फिल्म में एंटनी दास का कैरेक्टर निभाने वाले हैं और अर्जुन सजा हैरोल्ड दास का, तो आप बात को समझ रहे हैं ना। अब संजय इस फिल्म के मेन विलन है और हमारी इंट्यूशन ये कहती है कि हैरोल्ड एंटनी का छोटा भाई हो सकता है, तो उसकी खौफनाक दुनिया खत्म हो जाने के बाद एंटनी बौखला जाएगा और वहीं से शुरू होगी इस असली विलन की कहानी, जिसका पाला पड़ने वाला है लियो के साथ, यानी कौन? थलापति। तभी तो फिल्म के लीड हीरो और विलन आमने सामने आएंगे। वैसे इनका ये अवतार देखकर तो ये कन्फर्म है कि गैंगस्टर के कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं वो। पर इस एक्शन किंग के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके फादर और वेटरन एक्टर शक्ति प्रसाद ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन फिल्मों में काम करे, इसलिए अर्जुन जी को हमेशा से ही एक पुलिस ऑफिसर बनना था, एक रियल लाइफ हीरो। इसके चक्कर में उन्होंने कई सारे ऑफर्स रिजेक्ट भी कर दिए थे, पर कहते हैं ना कि भाग्य में लिखा कोई नहीं बदल सकता। तो इसी तरह से उन्होंने कॉलीवुड इंडस्ट्री से अपना डेब्यू किया, पर फिर बाद में उन्हें कॉलीवुड इंडस्ट्री में इतने ज्यादा ऑफर्स नहीं मिले, जो उनके लिए काफी शॉकिंग था। पर फिर इसी तरह से उन्होंने तमिल तेलुगु इंडस्ट्रीज में भी काम करना शुरू कर दिया, जहां पर उन्हें ढेर सारा प्यार मिला जिनकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। दोस्तों, पर रजनीकांत की तरह छोटे रोल से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने पहले स्टंटमैन एंड विलन को अपनाया और फिर ग्रेजुअली एक्शन स्टार का खिताब हासिल कर लिया। पर झटका लगने वाली बात यह है कि फिल्मों में इतने खौफनाक दिखने वाले अर्जुन जी असल जिंदगी में हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त है। मतलब इन्होंने साबित कर दिया है कि साउथ एक्टर्स भगवान और कल्चर को लेकर कितने आदर्शवादी होते हैं। वैसे तो अब तक 160 फिल्मों में काम कर चुके हैं वो और 12 फिल्में खुद डायरेक्ट भी कर चुके हैं। अब इतनी फिल्मों में काम किया है पर करियर में दाग लगने वाली एक भी बात नहीं है, कॉन्ट्रोवर्सी फ्री मैन। ओ नो, हमें यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा क्योंकि इन पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया गया था। जी हाँ, दरअसल एक्ट्रेस श्रुति हरिहरन ने यह आरोप लगाया था कि अर्जुन ने रिहर्सल के दौरान परेशान किया, पर बाद में इस पर काफी सारा बवाल भी हुआ था। सो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का दाग इन पर लगा है दोस्तों। वैसे ये दाग धुला गया या फिर अभी भी है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब एक अंदर की बात आपको बताएं, इन्होंने इस फिल्म के लिए 5 करोड़ फीस चार्ज की है। यहाँ पर हमें रणवीर सिंह की फिल्म का गाना याद आ रहा है, करंट लगा रे, क्योंकि जहां अजय देवगन सिर्फ 8 मिनट के कैमियो के लिए 32 करोड़ रुपए ले रहे हैं, वहां पर ये सिर्फ 5 करोड़ में ही खुश है। ऐसा क्या जादू कर दिया लोकेश ने इन पर भाई। पर इस ग्लिम्स वीडियो में अर्जुन जी की ट्रेडिशनल अटायर, मुंह में सिगार और तीखी नजर के साथ एक ब्रूचुअल विलन का खौफ पैदा करने की कामयाब कोशिश दिखाई दे रही है। थलापति विजय की फिल्म लियो का माहौल धीरे धीरे बन रहा है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इसमें अनुराग कश्यप होंगे, अब कहा जा रहा है कि इसमें धनुष की भी एंट्री हो गई है, हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। धनुष लियो में काम करने वाले हैं, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। मेकर्स ने धनुष को अप्रोच किया है, ऐसा कहा जा रहा है कि बात तो बन गई है, बस धनुष की औपचारिक हाँ का इंतजार है। धनुष और विजय इससे पहले एक साथ किसी फिल्म में दिखाई नहीं दिए हैं, इसलिए लोकेश कनगराज की फिल्म में दोनों का साथ आना एक बहुत बड़ी खबर है। फैंस इसको लेकर काफी उत्साहित है, हालांकि अभी ये नहीं मालूम चल पा रहा है कि धनुष का फिल्म में क्या रोल होगा, वो फिल्म में कब दिखाई देंगे, कितनी देर के लिए वो फिल्म में होंगे। अनुराग कश्यप का फिल्म में होना लगभग तय माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराग कश्यप एक दिलचस्प और निर्णायक रोल में दिखाई देंगे। फिल्मी गलियारों में ये भी चर्चा है कि लोकेश
लियो के लिए कुछ पैच वर्क कश्मीर में शूट करेंगे। इन्हीं सीन्स में अनुराग कश्यप दिखाई देने वाले हैं। अनुराग कश्यप हमेशा से तमिल सिनेमा के फैन रहे हैं। यहाँ तक कि जब वो एक इवेंट के लिए चेन्नई गए हुए थे, उन्होंने लोकेश के फिल्म में काम करने की ख्वाहिश भी जताई थी। उनका कहना था कि वो एक डेथ सीन लोकेश कनगराज की फिल्म में करना चाहते हैं। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि लोकेश सबसे शानदार मौत के सीन्स फिल्माते हैं। बहरहाल 2 जून को थलापति विजय के बर्थडे वाले दिन फिल्म का फर्स्ट लुक आ गया था। इसका गाना भी आया और ये कुछ लीगल पचड़े में ही फंस गया था। एक एक्टिविस्ट ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गाने के जरिए मेकर्स ड्रग्स के इस्तेमाल और उसके अब्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं। लियो लोकेश कनगराज यूनिवर्स का हिस्सा है। लोकेश इससे पहले कैथी और विक्रम बना चुके थे। लियो की कहानी भी उन्हीं दोनों फिल्मों की दुनिया में घटेगी। ये इस यूनिवर्स की तीसरी किश्त होने वाली है। लियो के एक बड़े हिस्से की शूटिंग कश्मीर में हुई है। बताया जा रहा है कि विजय के किरदार को वही सेट किया गया है। उस दिन पहले फिल्म का पहला पोस्टर भी आया था। वहाँ विजय का किरदार ठंड वाली जगह में दिखता है। विजय के साथ फिल्म में त्रिशा भी नजर आएंगी। बाकी संजय दत्त फिल्म के विलन बने हैं। लियो 19 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया जाना है। आप धनुष की एंट्री से कितने खुश है ये हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। लियो तोड़ेगी KGF और RRR का रिकॉर्ड। अनाउंसमेंट टीजर से कितने करोड़ कमाए गए। क्या है मार्वल सिनेमेटिक का कनेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। फिल्म का निर्देशन साउथ के जाने माने डायरेक्टर लोकेश कनगराज कर रहे हैं और वो पहले भी थलपति विजय के साथ काम कर चुके हैं। लियो को लेकर चीजें इस समय सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं और इसी बीच हम इसके बड़े USA में रिकॉर्ड रिलीज को लेकर भी खबर सुन रहे हैं। विजय की पिछली दो रिलीज बीस्ट और वारिसु ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर कमाई की, लेकिन दर्शकों ने इन्हें घटिया फिल्म भी कहा। फिल्म वर्ल्ड के दर्शकों से तारीफें हासिल करने में विफल रही। हालांकि विजय के प्रशंसक लियो के ब्लॉकबस्टर होने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कॉलीवुड सुपरस्टार ने लोकेश कनगराज से हाथ मिलाया, जिन्होंने विजय मास्टर का निर्देशन किया था। फिल्म में संजय दत्त और त्रिशा कृष्णन भी शामिल हो रहे हैं। फिल्म के जोर शोर से प्रचार के बीच पता चला है कि लियो USA में रिकॉर्ड संख्या में सिनेमा घरों में रिलीज होगी। कथित तौर पर ये RRR और KGF चैप्टर 2 जैसे दिग्गजों की संख्या को भी पार कर जाएगी। निर्माता SS ललित कुमार ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पूरी तरह से 3000 थिएटर हैं, जिनमें से हम 1500 सिनेमा घरों में लियो रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही विजय की लियो ने रिलीज से पहले ही 246 करोड़ रुपीस की कमाई कर ली है। दरअसल फिल्म ने अपने अनाउंसमेंट प्रोमो के जरिए ताबड़तोड़ कमाई कर ली और लगभग अपना बजट तो निकाल ही लिया है। फिल्म को भारी लागत पर बनाया गया है और इसने पहले ही 246 करोड़ रुपीस की चौंका देने वाली कमाई कर ली है। फिल्म के डिजिटल राइट्स ने 150 करोड़ रुपीस, जबकि सैटेलाइट राइट्स ने 80 करोड़ रुपीस और म्यूजिक राइट्स ने 16 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया। फिल्म लियो का निर्माण लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के बैनर तले किया जा रहा है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के तर्ज पर बनाए गए इस बैनर के तहत अभी तक 2 फिल्में बनाई जा चुकी हैं। दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं। इस बैनर के तहत पहली फिल्म कैथी बनी थी, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी। 25 करोड़ रुपए की लागत में बनी इस फिल्म ने 105 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। इसमें कार्ति मुख्य भूमिका में है। उनके साथ में नारायण, अर्जुन दास, हरीश उत्मन, जॉर्ज मरीन और धीना जैसे कलाकार अहम रोल में है। इस फिल्म का हिंदी रीमेक भी बनाया जा चुका है, जिसका नाम है भोला। इसमें अजय देवगन और तब्बू लीड रोल में थे। लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के बैनर तले बनी दूसरी फिल्म का नाम विक्रम है, जो पिछले साल रिलीज हुई थी। इसमें कमल हसन, विजय सेतुपति और फहाद फासिल लीड रोल में है। फिल्म विक्रम का बजट 120 करोड़ रुपीस था, लेकिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 414 करोड़ रुपीस और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 247 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। कोरोना काल के तुरंत बाद रिलीज हुई इस फिल्म ने लोगों के सिनेमा घरों तक वापस लाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा थलपति विजय ने लोकेश कनगराज की जोड़ी पर भी लोगों को बहुत भरोसा है। दोनों ने एक साथ फिल्म मास्टर के लिए काम किया था। यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 130 करोड़ रुपीस की लागत में बनी
इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 223 करोड़ रुपीस की कमाई की थी, लेकिन तमाम तरह के राइट्स बेचने के बाद फिल्म के मेकर्स की झोली में 500 करोड़ रुपीस से ज्यादा आए थे। यही वजह है कि फिल्म लियो को अभी से इस साल की सबसे बड़ी फिल्म के तौर पर देखा जा रहा है, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, क्या फिल्म इन सब के बावजूद भी KGF और RRR का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? दोस्तों, जैसा कि लोकेश कनगराज ने कहा था कि जल्दी फिल्म की प्रमोशनल सीरीज शुरू होने वाली है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स अभी तक फिल्म के 2 पोस्टर्स रिलीज किए जा चुके हैं, लेकिन इन पोस्टर्स को जैसा मिलना चाहिए वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। भले ही पोस्टर्स को अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से रिलीज करने का आइडिया नया और इनोवेटिव है, लेकिन इस आइडिया का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि थलापति विजय का फर्स्ट लुक पोस्टर HBO की मोस्ट पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन से है इंस्पायर्ड। अगर आपने गौर से थाला के इस पोस्टर को देखा हो तो उनके पीछे एक वाइट कलर का वुल्फ है और साथ ही थाला के हाथ में हैमर है जिससे खून की धारा बह रही है और पीछे का बैकग्राउंड भी ऐसा है जैसे कि वहां पर बर्फ गिर रही हो। अब गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस ने जब वाइट वुल्फ देखा तो उन्हें फिल्म के किरदार जॉन स्नो और उनके वाइट वुल्फ की याद आ गई और साथ ही पोस्टर का बैकग्राउंड भी गेम ऑफ थ्रोन्स की विंटर इज कमिंग थीम से ही इंस्पायर्ड है। अब जो लियो और एंटनी दास के फेस ऑफ वाला हिंदी पोस्टर आया है वो भी गेम ऑफ थ्रोन में, जब आर्या स्टार्क फाइनल सीजन में लॉर्ड डैलस का अपनी तलवार से गला काटती है, उसकी याद दिलाता है। ओवरऑल पोस्टर्स काफी अच्छे और यूनिक है और साथ ही पोस्टर्स में यूज की गई अलग अलग टैगलाइंस भी एक क्रिएटिव तरीका है अपने किरदार के बारे में ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन देने का, लेकिन ये पोस्टर बस क्रिएट करने में नाकामयाब रहे हैं और फैंस के इन पोस्टर्स पर मिक्स रिएक्शंस नजर आ रहे हैं और ये बात लियो जैसी मच अवेटेड फिल्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये फिल्म ना सिर्फ LCU का अहम हिस्सा है लेकिन इस फिल्म के पास जेलर और जवान जैसी फिल्मों को टक्कर देने की भी पूरी कैपेबिलिटी है। इसलिए अब ऐसे पोस्टर से कुछ नहीं होने वाला है। ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए फिल्म मेकर्स को प्रीव्यू ट्रेलर या फिर म्यूजिक इवेंट जैसी प्रमोशनल इवेंट्स की जरूरत है। लियो का बजट भी 250 करोड़ से 300 करोड़ का है जो कि बाकी की LCU मूवी से काफी ज्यादा है और इतना ही नहीं, सन टीवी और नेटफ्लिक्स ने फिल्म के सैटेलाइट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग राइट्स भी काफी बड़े दाम में खरीद लिए हैं। ये फिल्म कैथी और विक्रम के इवेंट्स और टाइमलाइन को फॉलो करेगी और फिल्म में हमें विजय और संजय दत्त के बीच बड़े एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे और फिल्म के लिए विजय ने कश्मीर में -20 डिग्री में भी एक फाइट सीन शूट किया है जिसकी झलक हमने फिल्म के पोस्टर में भी देखी है। अब ऐसी हाईली पोटेंशियल वाली फिल्म अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से पीछे रह जाए तो सही बात नहीं है, इसलिए मेकर्स को जल्द से जल्द फिल्म की हाइप बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा। जिस गाने को लेकर हुई कंट्रोवर्सी, आज उस गाने ने पार कर लिए है 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज, लेकिन सेंसर बोर्ड की मार की वजह से थलापति विजय के कुछ शॉर्ट्स हो गए हैं रिप्लेस और उन्होंने जो पूरे गाने में हाथों में सिगार पकड़ी हुई है और पीछे डांसर्स ने बियर मग पकड़े हुए हैं, उन सीन्स को भी कर दिया गया है रिड्यूस। लियो का नारेटी सॉन्ग जब आया था तब इस गाने को मेजॉरिटी लोगों ने तो पसंद किया और अच्छे रिव्यूज भी दिए, लेकिन चेन्नई के एक सोशल एक्टिविस्ट ने इस गाने की आलोचना की और अल्कोहल स्मोकिंग को प्रमोट करता हुआ कहकर इसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दी थी और कई लोगों को ये गाना ऑफेंसिव भी लगा था और इन्हीं सब के चलते अब नारेटी सॉन्ग को UA रेटिंग दी गई है और इस गाने की 30 सेकेंड्स तक की लिरिक्स को सेंसर्ड कर दिया गया है, लेकिन थाला के लॉयल फैन बेस को इस गाने से कोई एतराज नहीं है क्योंकि मोस्टली मास एक्शन फिल्म्स में अल्कोहल और स्मोकिंग का ज्यादा यूज दिखाया ही जाता है। जैसे अभी हाल ही में आई जवान में जब SR के एक शॉट में मुंह में सिगार लिए बेल्ट से गुंडों की पिटाई कर रहे थे तब उसे सभी ने कूल माना था, लेकिन विजय के सॉन्ग को सेंसर करवा दिया गया। इसके साथ ही एक्टर रामाकृष्णन जो लियो फिल्म का हिस्सा है उन्होंने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म के एक सिंगल शॉट एक्शन सीक्वेंस के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि इस 20 से 30 मिनट्स के
एक्शन सीक्वेंस में वो थलपति विजय के साथ एक फैक्ट्री में फाइट करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और स्टंट को पहले से ही अच्छी तरह कोरियोग्राफ किया गया था और ये फिल्म बाकी फिल्मों से अलग होने वाली है और ऑडियंस को एक नया एक्सपीरियंस देगी। फिल्म की रिलीज में जहां एक महीने का वक्त बचा है, वहां इस तरह की अपडेट फैंस के एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा रही है। साथ ही LCU का हिस्सा बनने वाली लियो UK में अपना पावर दिखा रही है और फिल्म ने प्री सेल्स के पहले 24 घंटे में 100K यूरोस की कमाई कर दी है। लियो के UK डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म की बुकिंग ओपन करते ही पहले ही दिन 10K से ज्यादा टिकट्स बिक गई और लियो ये अचीवमेंट हासिल करने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई है। भले ही सेंसर बोर्ड की फिल्म के गाने पर मार पड़ी, लेकिन लियो का क्रेज बरकरार है भाई और ये फिल्म दशहरे पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। जब पूरा हिंदुस्तान जवान देखने जाएगा, तब UK में शुरू होगी लियो की एडवांस बुकिंग, यानी कि लियो की रिलीज के 6 वीक्स पहले से ही फिल्म के UK डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो फिल्म की एडवांस बुकिंग ओपन कर देंगे। इस बात की अनाउंसमेंट अहिंसा एंटरटेनमेंट ने ट्विटर पर की है। लियो का टीजर शेयर करते हुए ये भी लिखा कि सिने वर्ल्ड थलापति विजय की इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड है। इससे पहले भी UK के बिलबोर्ड्स और ट्रेन्स पर लियो के पोस्टर्स लगाकर प्रमोशन किया गया था और अब टिकट्स भी जल्द ही ओपन होने वाली है। इससे एक बात तो साफ है कि UK इंडियन फिल्मों का दीवाना है, लेकिन सिर्फ UK ही नहीं, ये खबर ऐसा भी दिखाती है कि ओवरसीज में इंडियन फिल्मों की कितनी डिमांड है। सबसे पहले तो शाहरुख खान की पठान ने इंडिया से बाहर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की, उसके बाद गदर 2 ने भी अच्छा कलेक्शन किया और उसके बाद जवान और सलार के लिए भी USA, UK, दुबई, कनाडा और ग्रीस जैसे देशों में जब एडवांस बुकिंग्स खोली गई तो उम्मीद से कई ज्यादा टिकट्स बिकी। इसके साथ ही जब हमारी मोस्ट पॉपुलर फिल्म KGF को जापान में रिलीज किया गया, तब वहां भी फिल्म ने अच्छी कमाई की और सबको फिल्म काफी पसंद आई। अब ये इंडियन फिल्मों का क्रेज कहे या फिर RRR और पठान जैसी फिल्मों ने जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की फिल्मों का नाम दिलाया है वो कहे, साल 2023 फिल्म इंडस्ट्री का एक काफी अहम साल माना जाएगा और ये तो शुरुआत है मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसी इंटरनेशनल फिल्म तो अब आती ही रहने वाली है। लियो आने वाली है अक्टूबर 19 को, जिसे दशहरा का वीकेंड हॉलीडे का भी फायदा मिलने वाला है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी साउथ मूवी की बैक टू बैक अनाउंसमेंट्स पर रिलीज के 2 महीने पहले से ही हो रही है। लेकिन लोकेश कनगराज की LCU के शेयर के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है और यही वजह है कि फिल्म को लेकर हाइप बनी रहे, इसलिए मेकर्स रेगुलर अपडेट्स दे रहे हैं। इसके साथ ही फिल्म दुनिया में ये खबर भी फैली हुई है कि लियो के लिए एक अलग ही प्रमोशनल स्ट्रैटेजी प्लान की गई है, जिसे आज से पहले किसी भी तमिल फिल्म के लिए यूज नहीं किया गया है, जिसमें सबसे पहले तो लियो फिल्म का ऑडियो लॉन्च होने वाला है जो एक बड़े इवेंट की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा और फैंस अभी से इस इवेंट की डेट्स का भी इंतजार कर रहे हैं। अब इसके अलावा और क्या प्लान किए गए हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिल्म लियो का निर्देशन लोकेश कनगराज कर रहे हैं और फिल्म की शूटिंग पिछले महीने पूरी हो गई है। हालांकि निर्देशक अब कश्मीर में वापस आ गए हैं, जहां फिल्म की पहली शेड्यूल शूटिंग की गई थी। कथित तौर पर कहा जाता है कि फिल्म के कुछ पैचवर्क सीन वहां पर शूट किए गए थे और कहा जाता है कि ये 10 दिनों तक चला था। कहा जा रहा है कि लियो फिल्म में संजय दत्त, एक्शन किंग अर्जुन, मंसूर अली खान, मिसेस किंग, गौतम वासुदेव मेनन, सैंडी और बाबू एंटनी सभी विलन हैं। इसमें से संजय दत्त की करियर की शुरुआती विलन रोल नायक नहीं खलनायक से हुई थी, जिसके लिए उन्हें लोग आज तक याद करते हैं और वही उसको उन्होंने KGF 2 में विलन लुक से बरकरार रखा। उनकी ड्रेस से लेकर उनकी टैटू वाले लुक तक लोग उन्हें याद करते हैं। वही विलन की बात हो पर पुष्पा और बाकी विलन की बात ना हो, ऐसे कैसे चलेगा, जिसमें जवान का खलनायक विजय सेतुपति, जिन्होंने फिल्म में अपना इंटेंस लुक दिखाया है, जो नए विलन के रूप में उभर रहे हैं। वहीं पुष्पा का विलन फहद फासिल तो सबको याद होगा, जो गंजा था, जिसको सब संजय की अग्निपथ लुक से कॉपी मान रहे थे। वहीं चर्चा में बनी हुई गदर 2 के नए विलन मनीष वाधवा लोगों में नफरत पैदा करने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। थ्रिलर में उनका किरदार अपने फॉर्म में लगा। वनी वॉर 2 में जूनियर NTR, सालार पार्ट 1 में पृथ्वीराज सुकुमार, टाइगर 3 से इमरान हाशमी,
एनिमल से बॉबी देओल कल की 2898 में कमल हासन विलन का रोल निभाने वाले हैं। देखना ये है कि क्या ये सब लियो के पुराने खलनायक पर भारी पड़ेंगे। लियो एक एक्शन थ्रिलर है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। फिल्म में विजय त्रिशा संजय दत्त अर्जुन प्रियानंद गौतम वासुदेव मेनन मैथस्किन मंसूर अली खान मैथ्यू थॉमस और सैंडी सहित अन्य लोग महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म में अनुराग कश्यप रामचरण और कुछ अन्य लोग भी कैमियो भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदन ने तैयार किया है। कहा जा रहा है कि लियो 19 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी और फिल्म निर्माताओं ने अभी तक फिल्म की रिलीज योजना का खुलासा नहीं किया है। उम्मीद है कि फिल्म का टीजर और ट्रेलर जल्द ही रिलीज किया जाएगा। अल्लू अर्जुन के बाद विजय एकमात्र और गैर मलयाली एक्टर हैं जिनकी केरल में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो उस राज्य में बॉक्स ऑफिस किंग भी हैं और उनकी आने वाली लियो का वहाँ बहुत ही ज्यादा क्रेज भी है। 10 साल की उम्र में मूवी बैटरी में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपनी शुरुआत करने वाले विजय आज ग्लोबली लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, जिसकी वजह से साउथ सुपरस्टार विजय इन दिनों अपनी आने वाली मूवी लियो को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। विजय और लोकेश कनगराज की लियो 2023 की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। ये मूवी इस साल अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। एक्साइटेड फैंस के दिलों में मूवी के लिए और अधिक हलचल पैदा करने के लिए मेकर्स ने हाल ही में लियो का पहला तेलुगु पोस्टर जारी किया है। लियो का पोस्टर रिलीज होते ही ये इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा और फैंस इस पर कॉमेंट कर अपना एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं। फैंस काफी समय से दलपति विजय की मूवी लियो के तेलुगु पोस्टर का इंतजार कर रहे थे। शानदार फर्स्ट लुक और अनाउंसमेंट वीडियो के बाद फैंस मूवी का पोस्टर देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन इस पर लिखी गाइडलाइंस के मुताबिक मेकर्स ने लोगों को शांत रहने की सलाह दी है। पोस्टर में विजय सोच में डूबे नजर आ रहे हैं। पोस्टर में एक पहाड़ी का दृश्य दिखाया गया है जहां विजय बर्फ में ऊपर की ओर दौड़ते नजर आ रहे हैं। मूवी के नाम और क्रेडिट के अलावा इस पर शांत रहें और लड़ाई से बचें लिखा हुआ है, जिससे फैंस तो और भी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। पोस्टर देखकर विजय के फैंस खुशी से उछल रहे हैं, लेकिन अपनी इस स्टारडम को विजय थलाइवर को समर्पित करते हैं क्योंकि विजय रजनीकांत के बहुत बड़े फैन रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर इस बात का जिक्र भी किया है कि अगर रजनीकांत नहीं होते तो वो कभी भी सिनेमा की दुनिया में नहीं आ पाते। वास्तव में उन्हें मेन लीड एक्टर के रूप में अपना पहला एक्टिंग ब्रेक एक ऑडिशन के बाद मिला, जहां उन्होंने रजनीकांत की हिट मूवी अन्ना मलाई का एक प्रसिद्ध डायलॉग बोला था, जिससे आज विजय इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रियलिटी को कभी खत्म नहीं होने दिया। लियो की बात करें तो मूवी का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है। इस मूवी में विजय के अलावा त्रिशा संजय दत्त प्रियानंद सैंडी गौतम मंसूर अली खान अर्जुन सज्जा जैसे कलाकार शामिल हैं। ये मूवी इसी साल 19 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। यूनाइटेड किंगडम में मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू होने की जानकारी भी सामने आ चुकी है। मूवी का ऑडियो लॉन्च चेन्नई में होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आयोजन 30 सितंबर को नेहरू इंडोर स्टेडियम में होगा। कैसे फिल्म लियो के मेकर्स के मना करने के बाद सीन हुआ लीक? क्यों फिल्म लियो में विजय थलापति बने चॉकलेट मैन? क्या सरप्राइज रखा है डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने फिल्म लियो में? दोस्तों, फिल्म लियो की शूटिंग के वक्त मेकर्स ने लोकेशन पर मौजूद सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट की थी कि वो किसी भी सीन को अपने फ़ोन में कैप्चर ना करें और अगर वो कैप्चर करेंगे तो उन्हें शूटिंग नहीं देखने दी जाएगी। सभी ने मेकर्स की हाँ में हाँ तो मिला दिया था, लेकिन एक आदमी ने चुपके से एक फाइट सीन को शूट कर लिया था और बाद में उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया था। फिर क्या था, जिसे भी वो वीडियो मिला वो उस वीडियो को देखकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। एक्टर जोसेफ विजय चंद्रशेखर यानी कि थलापति की फिल्म को देखने के लिए मेकर्स ने जैसे ही ये वीडियो देखी ना, उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारी वीडियो को डिलीट करवा देंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जब मेकर्स सेट पर शूटिंग कर रहे हैं तो मेकर्स ने किसी को भी फोन लेकर आने की परमिशन नहीं दी है सेट पर। फिल्म लियो का टीजर आउट हो चुका है और जब से ऑडियंस ने टीजर देखा है ना, मानो तब से वो उसके टीजर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, खासकर एक्टर विजय थलापति के लुक को देखकर। यहाँ तक कि ऑडियंस ने तो विजय के इस कैरेक्टर को चॉकलेट मैन का नाम तक दे दिया है। ऑडियंस ने कहा था कि जिस तरह से टीजर में विजय को चॉकलेट्स के साथ दिखाया गया है, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि विजय या तो किसी चॉकलेट की दुकान में काम करते हुए नजर आएंगे या फिर
वो खुद एक चॉकलेट मैन होंगे जो फिल्म में चॉकलेट को ही अपना हथियार बनाकर सारे विलन्स को मारेंगे। एक इंटरव्यू में विजय से लियो में उनके कैरेक्टर के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और वो उस सरप्राइज को अभी रिवील नहीं कर सकते और वो किसी की एक्साइटमेंट को भी नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। तमिल फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे अपनी पहचान को और भी मशहूर कर रही है और अगर इस पहचान को कोई सबसे अधिक आगे लेकर जाएगा तो वो फिल्म लियो है, ऐसा इसके मेकर्स का कहना है। मेकर्स ने ये दावा किया है कि फिल्म के एक्शन सीन्स और उसकी कहानी है जो कि ऑडियंस को एकदम से अमेज कर देगी और जो सिर्फ विजय चंद्रशेखर यानी कि थलापति की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेकर्स ने यह भी कहा था कि फिल्म में खून खराबा तो होगा ही लेकिन जो स्पेशल होगा और जो सरप्राइज से भरपूर होगा वो है इंटरनेशनल म्यूजिक का इस्तेमाल जो ऑडियंस को पूरी तरह से इंटरनेशनल गानों की वाइब्स देने वाला है। फिल्म लियो के डायरेक्टर यानी कि लोकेश कनगराज ने कहा कि विजय सर की लियो फिल्म ऐसी होगी कि उन्होंने आज तक ऐसी फिल्म की नहीं होगी और तो और विजय सर का एक अलग ही कैरेक्टर ऑडियंस को नजर आने वाला है। दोस्तों अब देखना यह है कि विजय के साथ लियो में ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट होने वाला है। चलो स्पाय हो गया, कॉप हो गया, अब एलसीयू की बारी। एलसीयू बोले तो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसकी कर्ता धर्ता है डायरेक्टर लोकेश कनगराज और इसी यूनिवर्स में बनाई जा रही है फिल्म लियो जिसमें नजर आएंगे तमिल सुपरस्टार विजय थलापति। पर ये यूनिवर्स है इसका मतलब लोकेश की बाकी फिल्मों के कैरेक्टर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो 2022 की लोकेश की सुपर डुपर हिट फिल्म विक्रम जिसमें कमल हासन ने तड़का लगाया वो इस फिल्म में कैमियो कर सकते हैं, पर बाकी जो दो कैरेक्टर्स हैं वो कंफर्म है। विक्रम में एजेंट अमर का कैरेक्टर निभाया था एक्टर फहद फासल ने तो उनके कुछ सीन्स लियो में हो सकते हैं। और दूसरा है रोलेक्स जिसे निभाया था एक्टर सूर्या ने, जिसकी वजह से सूर्या ने ऑफिशियली एलसीयू में कदम रखा तो उसका और विजय का एक फोन कन्वर्सेशन हमें दिखाई देगा। वैसे सूर्या ने इनडायरेक्टली इस बात का हिंट अपने सोशल मीडिया पर भी दिया था जहां पर उन्होंने लियो की बात करते वक्त ये लिखा था कि कोल्ड वॉर एक्सपेक्टेड और वो भी हार्ट इमोजी के साथ। वैसे ये कहा गया था कि लोकेश के यूनिवर्स में रोलेक्स कैरेक्टर पर ही फोकस रहेगा, पर जब लोकेश ने विजय के साथ हाथ मिलाया तब सूर्या ने क्लियर कह दिया कि सिर्फ लियो में ही रोलेक्स के कैरेक्टर पर फोकस होगा। खैर जहां रोलेक्स, विजय, कमल हसन सब एक साथ आएंगे और ऊपर से बॉलीवुड के खतरनाक खलनायक संजय दत्त भी होंगे फिर तो मजा आएगा। वैसे फिल्म की प्रमोशनल एक्टिविटीज अब शुरू हो गई है क्योंकि फिल्म 19 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसी के चलते अब ऑडियो लॉन्च की तैयारी हो रही है जो 30 सितंबर को हो सकती है, जिसका इवेंट मदुरै या तिरुचिरापल्ली में हो सकता है, वरना मेकर्स प्लान बी के हिसाब से चेन्नई को चुनेंगे। तो देखते हैं इस ऑडियो लॉन्च में किस किस को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। अब भाई जवान के फीवर के बीच साउथ की बड़ी मूवी लियो का हाइप बना हुआ है। जी ये वही लियो है जिनके कैमियो की बातें हमने जवान में सुनी थी, लेकिन जवान देखने के बाद पता चला कि वो बस बातें ही थी या शायद लियो के हाइप को बढ़ाने के लिए एसआरके की पावर का मिसयूज किया गया है। अब यहाँ मुझे कोई मिल गया से रोहित याद आ गया, मिसयूज किया जा रहा है मेरे पावर का। लियो 19 अक्टूबर को रिलीज के लिए तैयार हो रहा है, थलापति के फैंस की एक्साइटमेंट चरम सीमा पर पहुंच रही है। ये फिल्म विजय के साथ लोकेश कनगराज का दूसरा प्रोजेक्ट है और ये तमिल सिनेमा में सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक बन गई है। अभी हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान फिल्म के निर्माता ललित कुमार ने कहा कि लियो का ऑडियो लॉन्च तमिलनाडु में होगा। उन्होंने उन अफवाहों को खारिज कर दिया कि ये इवेंट विदेश में होगा और पता है उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में फिल्म के टिकटों की बिक्री ऑडियो लॉन्च के तुरंत ही बाद शुरू हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि थलापति विजय जो इस समय थलापति 68 के प्री प्रोडक्शन कार्य के लिए लॉस एंजलिस में है उन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। मलेशिया लियो फीवर में डूबा हुआ है क्योंकि लियो सिक्के वहीं अब सेल्स के लिए उपलब्ध है। सुनहरे रंग वाले कॉइन्स में एक तरफ लियो अक्षर और दूसरी तरफ दहाड़ता हुआ शेर छापा गया है।
मलिक स्ट्रीम्स कॉर्पोरेशन ने देश में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स हासिल कर लिए हैं। इस बीच यूके में लियो की एडवांस बुकिंग 6 हफ्ते पहले ही शुरू हो गई है और निर्माताओं का दावा है कि देश में इतनी जल्दी एडवांस बुकिंग शुरू करने वाला ये पहला तमिल प्रोजेक्ट है। निर्माताओं ने ये भी कहा कि एक दिन में 10,000 से अधिक टिकटें बेची गई। अहिंसा एंटरटेनमेंट यूके बाजार में लियो का वितरण कर रहा है। वहीं लियो के डिजिटल और म्यूजिक राइट्स 220 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। अब फिल्म के प्रोड्यूसर्स इसके थ्रेटिकल राइट्स पर फोकस कर रहे हैं। पोर्टल ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि फिल्म के कन्नड़ वर्जन के राइट्स 15 करोड़ रुपए और तेलुगु वर्जन के राइट्स 25 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। साथ ही विजय की वारिसु की थिएट्रिकल राइट्स आंध्र प्रदेश में 18 करोड़ रुपए में बेचे गए थे। क्योंकि लियो ज्यादा बड़ी फिल्म है इसलिए उसके लिए मेकर्स 25 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। वहीं कर्नाटक में वारिसु के राइट्स 8 करोड़ में बिके थे तो लियो के वहां 12 करोड़ रुपए में बिकने की संभावना है। वारिसु को तमिलनाडु में 70 करोड़ रुपए में बेचा गया था तो हो सकता है लियो आसानी से 100 करोड़ रुपीज तक चली जाए। विदेशों में फिल्म के राइट्स 50 करोड़ रुपए में बेचे जा सकते हैं। ऐसे में लियो अपनी रिलीज से पहले आसानी से 422 करोड़ रुपीस कमा सकती है। फिल्म का बजट 275 करोड़ रुपीस बताया जा रहा है। अगर ये बजट सही है तो लियो आसानी से मुनाफा कमा सकती है। कैसा होगा विजय का किरदार, कैसा किरदार प्ले करने वाले हैं विजय, क्या अपडेट्स दिए गए हैं फिल्म के बारे में, कौन कौन से एक्टर्स एड होंगे थलापति 66 में। थलापति 66 फिलहाल इस मूवी का नाम नहीं है, बट ये थलापति 66 एक इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है जो वामशी पेडीपल्ली ने डायरेक्ट करी है। इस फिल्म का नाम अभी तक थलापति 66 इसलिए रखा गया है क्योंकि इस फिल्म में विजय काम कर रहे हैं, जिन्हें साउथ में सभी लोग थलापति बुलाते हैं। थलापति का मतलब कमांडर होता है और विजय के कैरेक्टर और एटीट्यूड की वजह से लोग उन्हें थलापति बुलाते हैं, जैसे रजनीकांत को थलाइवा बुलाते हैं। थलापति 66 में विजय के साथ फिल्म में राश्मिका मंदाना भी है, जिन्हें हमने अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा में देखा था। थलापति 66 एक ड्रामा फिल्म है जिसमें विजय एक ऐसे इंसान का रोल प्ले कर रहे हैं जिसे इरोटोमानिया है। इरोटोमानिया एक मेंटल डिजीज है जिसमें पेशेंट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल उनसे काफी प्यार करता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में ये चीज बस पेशेंट के दिमाग में होती है और फिल्म में विजय को इरोटोमानिया होता है और उन्हें लगता है कि कोई उनसे प्यार करता है। हमने ऑलरेडी देखा कि विजय और उनकी टीम ने हैदराबाद में पिछले महीने थलापति 66 का मेजर पार्ट शूट खत्म कर दिया है। अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि फिल्म ने चेन्नई में अपनी शूटिंग वापस से रिज्यूम कर दी है। चेन्नई में होने वाले इन शूट से काफी फोटोज और वीडियोज वायरल हुए हैं। जो भी फोटोज लीक हुए हैं उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस खुशबू सुंदर भी इस फिल्म का पार्ट होंगी। खुशबू ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, जैसे अनंथे, अंदावल्लू मीकू, जोहरलू और मनन, बट फिल्म मेकर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं की है उन्हें लेकर कि वो इस मूवी का हिस्सा है या नहीं। थलापति 66 के लिए चेन्नई में एक बहुत बड़ा सेट बनाया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि चेन्नई में अभी 2 वीक्स तक शूटिंग चलेगी, क्योंकि और उसके बाद टीम कहीं और जाएगी शूट करने। इस फिल्म का जॉनर इमोशनल ड्रामा है और इस फिल्म में विजय के अलावा और भी कास्ट है, जैसे योगी बाबू, शरद कुमार, प्रभु प्रकाश राज, श्याम श्रीकांत, जया सुधा, संगीता और संयुक्ता। इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर थमन एस है, जो विजय को अपना आइडल मानते हैं और फर्स्ट टाइम वो अपने आइडल के ही लिए गाने कंपोज कर रहे हैं। कार्तिक पलानी फिल्म की सिनेमाटोग्राफी हैंडल कर रहे हैं। ऐसे बताया जा रहा है कि थलापति 66 नेक्स्ट ईयर 2023 में पोंगल के दिन रिलीज होने वाली है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये भी पता लगा है कि शरद कुमार इस फिल्म में विजय के फादर का रोल प्ले करने वाले हैं और साथ ही फिल्म में श्रीकांत और श्याम फिल्म में विजय के ब्रदर का रोल प्ले करेंगे। एक वीडियो भी वायरल हुई है ट्विटर पर जिसमें हमने देखा कि रश्मिका मंदाना भी चेन्नई के सेट पर दिखी और फैंस उन्हें देखकर काफी खुश हुए। विजय और रश्मिका फर्स्ट टाइम किसी फिल्म में काम कर रहे हैं और अभी कुछ टाइम के बाद रश्मिका अपना बॉलीवुड में डेब्यू भी करने वाली है। रेस्ट इन पीस। लियो ने कैसे रिलीज से पहले ही पठान और जवान का रिकॉर्ड तोड़ डाला।
तलपति विजय की फिल्म लियो से भले ही उनके फैंस उतना खुश नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छा पैसा पीटने वाली है। ये हाल अमेरिका में है, जहां फिल्म की एडवांस बुकिंग बीती 27 सितंबर को खुली थी। इंडिया में मेकर्स ने खबर लिखे जाने तक एडवांस बुकिंग वाली खिड़की नहीं खोली है। बाकी अमेरिका में आलम ये है कि लियो ने भौकाल काटा हुआ है भाई। शाहरुख खान की पठान और जवान के रिकॉर्ड को किनारे लगा दिया है। 11 अक्टूबर तक एडवांस बुकिंग में फिल्म ने $8,32,679 कमा लिए हैं। भारतीय रुपए में ये करीब 7 करोड़ के रुपए के आसपास होते हैं। अभी फिल्म को आने में एक हफ्ता बचा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसी स्पीड पर बुकिंग होती रही तो फिल्म रिलीज तक $1.2 मिलियन कमा चुकी होगी। इस साल की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म जवान भी लियो से काफी पीछे छूट गई है। जवान ने एडवांस बुकिंग में $6,28,729 बटोरे थे। भारतीय रुपए में ये करीब 5 करोड़ के आसपास होते हैं। वहीं पठान ने अमेरिका और कनाडा में एडवांस बुकिंग में $7,28,000 छापे। हमारी करेंसी में ये 6 करोड़ के आसपास होते हैं। पहले खबर आई थी कि अमेरिका में लियो को करीब 900 स्क्रीन्स पर दिखाया जाएगा, फिर बढ़ती मांग के चलते ये नंबर 1000 स्क्रीन तक पहुंचा। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि अमेरिका में विजय की फिल्म को 1338 स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तमिल और तेलुगु वर्जन को लेकर तो शुरू से बज गर्म था, अब हिंदी वाले शोज की भी मांग बढ़ने लगी है। हिंदी के लिए 28 शोज रखे गए हैं। बाकी अमेरिका भर में लियो को 544 जगहों पर दिखाया जाएगा और 37,346 सीट बुक भी हो चुकी हैं। अमेरिका में फिल्म मेकर्स को गुड न्यूज ही दे रही है। रही बात इंडिया की, तो यहां अभी तक एडवांस बुकिंग का कोई अता पता नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि 14 अक्टूबर से यहां एडवांस बुकिंग खुल सकती है, लेकिन मेकर्स ने अभी तक इस खबर को कंफर्म नहीं किया है। हाल ही में खबर आई थी कि लियो के नाम पर फर्जी टिकटें बेची गई हैं। सोशल मीडिया पर टिकट की फोटो घूमने लगी। फोटो में जिस सिनेमा घर का नाम था, अंत में उन्हें जाकर स्टेटमेंट देना पड़ा कि भैया ये फर्जी टिकट है, झांसे में मत आइए। लियो की बात करें तो बीते कुछ दिनों से फिल्म गलत वजहों से चर्चा में है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 13 बदलाव करवा दिए। ट्रेलर में एक आपत्तिजनक शब्द कहने पर विजय के फैंस चिढ़ गए थे। मेकर्स ने अब वो शब्द ट्रेलर से हटा दिया है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं लियो देखने के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। अक्टूबर को थलापति विजय की मूवी लियो रिलीज हो रही है। मूवी की खबरें आने के बाद से ही कहा जाने लगा कि उसकी कहानी एक हॉलीवुड मूवी से उठाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स ने छापा कि लोकेश कनगराज ने अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस नाम की मूवी से कहानी चिपकाई है। हालांकि मेकर्स ने किसी भी पॉइंट पर इस बात को कन्फर्म नहीं किया था। ये मूवी साल 2005 में रिलीज हुई थी। बनाया था डेविड ने, सिनेमा के लिहाज से अहम डायरेक्टर हैं, क्रैश और वीडियोड्रोम जैसी विचलित कर देने वाली फिल्में बना चुके हैं। उनकी पिछली रिलीज क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर को 2022 के कान फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया था, जहां उसे 6 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस का मुख्य किरदार टॉम नाम का एक शख्स है, छोटे शांत टाउन में अपने परिवार के साथ रहता है, खुद का डायनर चलाता है, डायनर यानी छोटा रेस्टोरेंट। एक बार वहां दो गुंडे घुस जाते हैं। हाथापाई में टॉम उन दोनों को मार डालता है। टाउन की प्रेस उसे लोकल हीरो बना देती। यहीं से उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं, जिनका कहना है कि वो टॉम नहीं बल्कि जोई है। पता चलता है कि अपनी पिछली जिंदगी में जोई एक खूनी था, जो अब पहचान छिपा कर रह रहा था। अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस लाउड मूवी नहीं थी। किसी के घर के बगीचे में गोलीबारी हो जाती है, लेकिन थम्स अप म्यूजिक कानों में नहीं पड़ता। लियो बस यही चीज अलग करने वाली है। हॉलीवुड मूवी कट टू कट चली थी। लियो के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि वहां आगे पीछे की कहानी भी दिखाई जाएगी, जैसे लियो पुरानी जिंदगी से नई में कैसे दाखिल हुआ। यहां ओरिजिनल मूवी से ज्यादा किरदार होने वाले हैं। बता दें कि लियो में थलापति विजय के अलावा त्रिशा कृष्णन, संजय दत्त, अर्जुन साजा और गौतम वासुदेव मेनन जैसे एक्टर्स ने भी काम किया है। लेकिन बता दें कि लियो के एक्टर आत्मा पैट्रिक ने कंफर्म किया है कि लियो की कहानी अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने हॉलीवुड वाली मूवी के ऑफिशियल राइट्स खरीद लिए हैं। उन्होंने कहा कि भले ही मेकर्स ने मूवी के राइट्स लिए हैं, लेकिन यहाँ हर सीन 100 गुना बड़ा होने वाला है। तो अब आप बताओ कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बाय बाय।
अल्लू अर्जुन के बाद विजय एकमात्र और गैर मलयाली एक्टर हैं जिनकी केरल में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो उस राज्य में बॉक्स ऑफिस किंग भी हैं और उनकी आने वाली लियो का वहाँ बहुत ही ज्यादा क्रेज भी है। 10 साल की उम्र में मूवी बैटरी में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपनी शुरुआत करने वाले विजय आज ग्लोबली लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, जिसकी वजह से साउथ सुपरस्टार विजय इन दिनों अपनी आने वाली मूवी लियो को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। विजय और लोकेश कनगराज की लियो 2023 की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। ये मूवी इस साल अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। एक्साइटेड फैंस के दिलों में मूवी के लिए और अधिक हलचल पैदा करने के लिए मेकर्स ने हाल ही में लियो का पहला तेलुगु पोस्टर जारी किया है। लियो का पोस्टर रिलीज होते ही ये इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा और फैंस इस पर कॉमेंट कर अपना एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं। फैंस काफी समय से दलपति विजय की मूवी लियो के तेलुगु पोस्टर का इंतजार कर रहे थे। शानदार फर्स्ट लुक और अनाउंसमेंट वीडियो के बाद फैंस मूवी का पोस्टर देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन इस पर लिखी गाइडलाइंस के मुताबिक मेकर्स ने लोगों को शांत रहने की सलाह दी है। पोस्टर में विजय सोच में डूबे नजर आ रहे हैं। पोस्टर में एक पहाड़ी का दृश्य दिखाया गया है जहां विजय बर्फ में ऊपर की ओर दौड़ते नजर आ रहे हैं। मूवी के नाम और क्रेडिट के अलावा इस पर शांत रहें और लड़ाई से बचे लिखा हुआ है, जिससे फैंस तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। पोस्टर देखकर विजय के फैंस खुशी से उछल रहे हैं, लेकिन अपनी इस स्टारडम को विजय थलाइवर को समर्पित करते हैं क्योंकि विजय रजनीकांत के बहुत बड़े फैन रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर इस बात का जिक्र भी किया है कि अगर रजनीकांत नहीं होते तो वो कभी भी सिनेमा की दुनिया में नहीं आ पाते। वास्तव में उन्हें मेन लीड एक्टर के रूप में अपना पहला एक्टिंग ब्रेक एक ऑडिशन के बाद मिला, जहां उन्होंने रजनीकांत की हिट मूवी अन्ना मलाई का एक प्रसिद्ध डायलॉग बोला था, जिससे आज विजय इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रियलिटी को कभी खत्म नहीं होने दिया। लियो की बात करें तो मूवी का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है। इस मूवी में विजय के अलावा त्रिशा, संजय दत्त, प्रियानंद, सैंडी गौतम, मंसूर अली खान, अर्जुन सज्जा जैसे कलाकार मुझे कौन ग्राउंड एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत है, पर असली कहानी वहीं से शुरू। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को देता है जो उसके लायक नहीं। एक इंसान है जो इस केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन दे सकता है। अरे पर उसकी माँ तो धंधे वाली थी ना। आपको पता है दूधी जूस जहर हो सकता है? अभी आप इसको पी सकते हो, इस पे टाइम है अभी जहर बनने का। वो इतना शातिर है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए उसे पकड़ना नामुमकिन है। आदम खोर को घास फूस खिलाने में बहुत मजा आता है। पहली बार मर्द आया एकदम सही। चलो ये भी अच्छा कि तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम मरते नहीं हो। बनने पर क्या कहा अनुराग कश्यप ने डायरेक्टर लोकेश कनगराज के बारे में? ये क्या बोल दिया अनुराग ने? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोस। विजय थलापति और डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने एक साथ आकर लियो नाम की एक फिल्म बनाई है जो रिलीज से पहले ही ऑडियंस की नजर में ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। वैसे इस फिल्म में बॉलीवुड के संजू बाबा यानी कि हमारे संजय दत्त को भी शामिल किया गया है, पर इस फिल्म का एक और शख्स हिस्सा है जिसका नाम है अनुराग कश्यप। जी हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर जो अब इस तमिल मास एंटरटेनर फिल्म में नजर आएंगे। इस पर बात करते हुए अनुराग कश्यप ने कहा कि लोकेश एक जबरदस्त फिल्म मेकर है और थलापति की तो बात ही अलग है। लोकेश के इस फैंटेसी वर्ल्ड में मुझे काफी मजा आया, उन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। जब लोकेश कनगराज ने अनुराग का ये इंटरव्यू देखा तो उन्होंने कहा, सर आप फिर से आ जाइए, मैंने आपके लिए और भी कुछ इंटरेस्टिंग लिखा है,
आपको जरूर पसंद आएगा। लोकेश के इस बिहेवियर को देखते हुए अनुराग को काफी अच्छा लगा। अनुराग ने एक बार कहा था कि उन्हें लोकेश की फिल्म में एक डेथ सीन करना है, क्योंकि लोकेश अपने फिल्म में एक्टर्स को इस तरह से मरा हुआ दिखाते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। तो मुझे भी इसी तरह की उनकी फिल्मों में मरना है। देखिए क्या ख्वाहिश है इनकी, अब वो लियो में पूरी होगी या किसी और फिल्म में, ये तो भगवान ही जाने। वैसे अनुराग के पास लियो के साथ साथ और भी 3 तमिल मूवीज हैं। अनुराग कश्यप ने अपनी आखिरी फिल्म केनेनडी पर काम करने के बाद अगले फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि एक एक्शन फिल्म होगी और जिसके स्क्रिप्ट का काम अनुराग ने अभी हाल ही में पूरा किया। बस एक्टर्स और बाकी लोग स्क्रिप्ट सुन ले, फिर शूटिंग को शुरू किया जाएगा। तो देखते हैं कि लियो में अनुराग का कैरेक्टर पावरफुल होता है या फिर नहीं। वैसे लियो रिलीज होने वाली है 19 अक्टूबर को, तो आपको इसका कितना इंतजार है हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते सारे वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक्साइटमेंट पठान, जवान और टाइगर 3 के हैंगओवर से बहुत ज्यादा है, क्योंकि पठान टाइगर में कहीं ना कहीं लोगों को अंदाजा है कि एक्शन किस लेवल का होगा। लेकिन एलसीयू से कोई उम्मीद करना भी ना एक बेवकूफी है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ऐसा लाते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। लियो से अभी स्टारकास्ट का पोस्टर रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने लियो दास, एंटनी दास, हैनोल दास और बाकी सारे कैरेक्टर्स को जगह दे रखी है। वहीं लोकेश ने लियो की शूटिंग कश्मीर में की है, लेकिन वो कभी भी वहां शूटिंग करना चाहते नहीं थे। वो शुरू में लियो को थेनी या फिर तमिलनाडु के इसी तरह के एक छोटे शहर में स्थापित करना चाहते थे। हालांकि कश्मीर में फिल्माया जाना विजय स्टारर के लिए जरूरी हो गया था। पहले फिल्म की शूटिंग तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में होनी थी, फिर विजय को पर्यटन स्थल पर क्यों ले जाया गया। फिल्म को कश्मीर में शूट करने का कारण बिल्कुल अलग है, क्योंकि लोकेश चाहते थे कि फिल्म को ग्राउंडेड किया जाए, इसलिए वो कई लाइव लोकेशन पर शूटिंग करना चाहते थे। उन्होंने थेनी के एक गांव की पृष्ठभूमि पर कहानी लिखी थी, उस क्षेत्र में लोकेशन स्काउटिंग भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन उनके चारों ओर भारी भीड़ जमा हो गई थी और वो ऐसा नहीं कर सके, इसलिए विजय को शूटिंग के लिए वहां ले जाना असंभव था। कहानी को वास्तविक बनाने का एकमात्र तरीका किसी विदेशी देश में शूटिंग करना था, लेकिन लोकेश ने कोई विदेशी देश नहीं देखा है और कोई बड़ा यात्री भी नहीं, उन्हें नहीं पता कि कहाँ कैसा होता है। जब उन्होंने कश्मीर को चुना तो जरूर सोचा होगा कि इलाका बदल रहा है, इसलिए तलाशने के लिए वहां कुछ ना कुछ होगा। फिल्म की मदद करने के अलावा लोकेशन ने विजय के साथ यथार्थवादी चीजें शूट करने में मदद की। शूटिंग के अलावा विजय अन्ना ने पैदल ही जगह तलाशनी शुरू कर दी थी, वो स्वयं इसका आनंद ले रहे थे। इस तरह कश्मीर का शूट शेड्यूल हुआ। पूरी लियो की शूटिंग कश्मीर में की गई। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।